कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुहस्व कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हे कृष्णकरुणा सिन्धो हरे कृष्ण आवाज आ रही है, हरे कृष्ण आवाज आ रही है, कितना दूर तक आ सके, हरे कृष्ण अंदर सब अंदर में आ जाओ, और बाहर चेयर नहीं, चेयर लेकर के जो हाँ, और अंदर में आ जाओ, हाँ जो बाहर है, जो अंदर में जगह है, जो नीचे बैठ सकते हो आकर के नीचे बैठो। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल, ओ आ जाओ, हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा, इधर आ जाओ, हरे कृष्णा, सरक सरक बढ़िया, बोले गुरु जी महाराज की, प्रभुपाद की, बोले भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ गत गल्य श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की तिरोहाव तिथि था, इसलिए कल हम उनके विषय पर बहुत बहुत कुछ कथा हम सुन रहे थे, आज भी कुछ कथा उनको सुन लेते। कहते श्रील वामन गोस्वामी महाराज बहुत बचपन में वो मंदिर में आए, हम आज कहीं गए थे कथा, श्रीला उनकी तिथि था, हम किसी दूसरे मठ में गए थे वहाँ भी सुन रहे थे, इन्होंने जिधर उन्होंने जन्म ग्रहण किया है वो पूर्व बंगाल है, कभी जो पूर्व बंगाल है इसको दूसरा वृंदावन बताया करते थे, क्योंकि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए हुए थे, और श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी का वो भी जन्म स्थान है, पुंडरी की विद्या निधि उनका भी जन्म स्थान है, बहुत बड़े बड़े हमारे महाप्रभु का परिकर लोगों ने उधर जन्म ग्रहण किया है, इसलिए वो भूमि पुण्य भूमि है, हैं? इसलिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु का उधर कभी जाते थे, कहते उनकी जो भक्ति है ना, कहते उनकी भक्ति अद्भुत भक्ति है, पूरा पूरा गांव के गांव जब संत कोई जाते पूरा उन्होंने कपड़े बिछा देते थे, पूरा के पूरा कपड़े, सब वैष्णव लोग चलते हुए जाएंगे,
हर घर घर से बाहर निकल करके शंख मृदंग और जो कांसारी होता है ना उसको बजाया करते थे जब संत लोग आते थे। और क्या करते थे, वैष्णव का चरण धो करके उनको जो कैसे साफ करते थे, कपड़े से नहीं, जो स्त्रियां होती हैं अपना केसों से, कहते अपना केसों से उन्होंने वैष्णव का चरण को, अपना केसों से चरण को वो साफ करते थे। मतलब इनके अंदर में इतने भक्तिमती लोग थे, इसलिए पूर्व बंगाल में इतने तरह तरह का वो रसोई बनाना जानते हैं ना, मुझे लगता है दुनिया में और कोई भी इतने तरह तरह के रसोई नहीं जानते हैं और इतने सुंदर रसोई बनाना जानते हैं। और जिनका वैष्णव जो सेवा है, कहते इनका जीवन है, वैष्णव सेवा ही इनका जीवन है। इसलिए जितने हमारी गुरु परंपरा है जितने, इसलिए हम वहाँ पर श्रवण कर रहे थे, कहते इनके अंदर में इतने भक्ति कैसे आई। बोले जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत को छोड़ करके गए, उधर एक नदी जिसका नाम पद्मा है, महाप्रभु बोले पद्मा मैं अपना प्रेम को तेरे पास में छोड़ करके, अपना प्रेम को तेरे पास में छोड़ करके जा रहा हूँ। भविष्य में एक बहुत बड़े साधु आएंगे जिनका नाम श्री नरोत्तम दास ठाकुर होगा, तुम ये प्रेम आप उसको ये प्रेम दे देना। तो नदी कहती है हमें पता कैसे चलेगा वही ये महापुरुष है। बोले वो इतने बड़े साधु जब केवल उसका चरण तुम्हारी पानी में स्पर्श करेगा ना, उसका चरण स्पर्श से ही तुम्हारी हृदय उफनना शुरू हो जाएगा, उफनना शुरू हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगा। फिर उससे पता चलेगा ये वही महापुरुष है, उससे ही पता चल जाएगा। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर आए, उनका चरण स्पर्श होते ही सचमुच जो पद्मा का पानी अपने आप उफनने लग गया, अपने आप उफन लग गया। जब पानी उफना उसी समय में एक हवा आई, वो हवा ने वो जो उफन हवा जिधर चली गई वो स्थान पवित्र हो गया, वो भूमि पवित्र हो गई और वहां पर बड़े बड़े संत लोग जन्म ग्रहण किए। हमारे जितने प्रभुपाद के जितने अक्सर करके जितने शिष्य लोग सब उधर से आए, सब के सब उस तरफ से वो साधु लोग आए। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज भी उस तरफ से ही, वो बामन गोस्वामी महाराज आए, मेरे गुरुदेव भी आए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी उधर से ही आए हैं, भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज भी उधर से आए हैं और बहुत बहुत महाप्रभु के बहुत बहुत लोग उस तरफ से सबके सब आए। इसलिए कहते उनके अंदर में ये श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज एक अन्यतम है। कहते श्री बामन गोस्वामी महाराज हैं, कहते ये इनका जो माता जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये उनका आश्रित है, उनकी थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा माता जी और थोड़ी आगे आ जाओ, और यहाँ पर तुम इधर बैठ जाओ, और थोड़ा आ जा और आ जा अंदर में आ जा। मैं सामने बाहर बैठे रहता तेरा कोई भक्त है नहीं, मेरे अंदर ही बैठ जा। हरे कृष्ण। इसलिए कभी ये जैसे हम लोग जन्म लिया बड़े हुए फिर आ करके वैष्णव का दर्शन भक्त दर्शन हुआ, लेकिन वो महापुरुष कैसे, कहते वो पेट से ही भजन कर रहे थे, वो पेट से भजन कर रहे थे। बोले क्यों, बोले उनका जो माता जी है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का माता जी उनका शिष्य है। जब माता जी के पेट में बच्चे हो ना, जब माता जी हरि नाम करती हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे माला राम राम हरे, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब माता जी हरिनाम करती उसको पेट में बच्चा है ना, वो भी हरिनाम सुनता है।
माता जी जब प्रसाद पाती है उसको पेट में भी बच्चा है वो भी प्रसाद पाता है। मैया जब तुलसी की परिक्रमा करती है उसको पेट में भी बच्चा वो भी तुलसी परिक्रमा कर रहा है। मैया जब कथा सुनती है तो बच्चा भी पेट के अंदर है वो क्या करता है वो भी कथा सुनता है। जब मैया ठाकुर जी को प्रणाम करती है तुलसी परिक्रमा तुलसी प्रणामा करती है उसको पेट में भी बच्चा है वो क्या करता है वो भी प्रणाम करता है वो भी ठाकुर जी को प्रणाम करता है। इसलिए मानो ये महापुरुष माँ के पेट से ही वो भजन करते हुए आ रहे हैं। इसलिए जब इन्होंने जन्म हुए इनकी नाम जब रखे इनका नाम रखा संतोष। संतोष मतलब क्या? जो प्रसन्न रहता है हर समय खुश रहता है कभी असंतोष कभी नहीं रहता है। इसलिए इनका नाम ही रखा संतोष है। कभी जगत में कोई खुश है उसको पूछ लो जगत में कोई खुश हो कोई संतोष है? सब संसार में असंतोष है सबके संसार में दुखी है सबके सब कोई तन से कोई मन से कोई धन से कोई परिवार से कोई सास से कोई ननद से कोई पति से सबके सब दुखी संसार में। लेकिन संतोष कौन है? बोले जगत में संतोष केवल एक व्यक्ति है कृष्ण भक्त शांत है। कृष्ण भक्त केवल शांत है लेकिन अब जगत में सबके सब अशांत है अशांत से है जगत में कोई शांत नहीं। क्यों? बोले कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम है उसका मन में कोई कामना ही वासना नहीं इसलिए हर समय वो शांत है। लेकिन जगत में दुखी लोग दुखी क्यों? बोले सब कामना वासना हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इसलिए कहते ये बचपन में जो पिता माता आते थे परिक्रमा करने के लिए नवद्वीप में वो भी आते थे हैं। लेकिन जब उन्होंने नवद्वीप में परिक्रमा करने के लिए आए ना वो आए तो जैसे परिक्रमा के बाद में पिता माता बोले चलो घर में अभी वो जाना नहीं चाहता वो कहाँ छुप गया अब इसको ढूंढ रहे हैं। पिता माता तैयारी घर में जाने के लिए बच्चा ही नहीं मिल रहा है। इतने में उनको पिता माता आकर के प्रभुपाद से बोले प्रभुपाद ये संतोष जाना ही नहीं चाह रहा है ये घर में वापस जाना नहीं चाह रहा है। वो कहता है मैं मंदिर में रुकूंगा छोटा बच्चा है 9-10 साल का बच्चा है। बोले कोई बात नहीं रहना चाहेगा तो यहीं पर रहे और वहाँ पर भक्त विनोद ठाकुर को भक्त विनोद इंस्टीट्यूट है स्कूल है हम वहीं पर डाल देंगे यहीं पढ़ाई सुनाई करेगा। इसलिए उसने गए नहीं और मंदिर में रह गए और उनको स्कूल में भर्ती कर दिया। बोले यहीं पर लिखाई पढ़ाई करे और यहीं पर हरी कथा सुने भजन करे। इसलिए इन्होंने मंदिर में रहते हुए हर समय जब केवल स्कूल में जाते थे स्कूल का पढ़ाई तभी करते थे लेकिन जब मंदिर में आते थे ना दिन भर हरी कथा सुने मंदिर में जो होता है कीर्तन में बैठे हरी कथा सुने हैं वैष्णव का सेवा करे। इनका जो जीवन है प्रभुपाद का जो बड़े बड़े जो भक्त लोग थे उनका शिष्य लोग की उन्होंने जिंदगी भर उन्होंने सेवा की है। इसलिए जब वैष्णव की उन्होंने सेवा करते हैं बस कहते भगवत भक्ति मिलने का सबसे जो सरल उपाय बताए अगर हम किसी वैष्णव को अगर खुश कर दें कोई भगवान के भक्तों को खुश कर देना भगवान कहते हैं मैं जितने जल्दी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और कोई उपाय नहीं है मेरे को प्रसन्न करने का और कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं जगत में सबसे सरल उपाय है भगवत कृपा प्राप्त करने का किसी वैष्णव को भजन इसलिए वैष्णव को खुश कर दो। जब वैष्णव खुश हो जाते हैं वैष्णव का हृदय में कहते ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम और गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? बोले वैष्णव का हृदय में ही ठाकुर जी रहते हैं। अगर वैष्णव लोग खुश हो गए ठाकुर तो अपने आप खुश हो गए भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने वैष्णव की बड़ी सेवा उन्होंने किया है। प्रभुपाद घर को पोछा लगाना कहते बचपन में मटर होता है ना मटर सूटी से छिलका उतार करके प्रभुपाद को देते थे प्रभुपाद उसको खाते थे हैं प्रभुपाद खाते थे। अभी जब बोर्ड परीक्षा होता है अभी बोर्ड परीक्षा हुई तो अभी बोर्ड परीक्षा की जो रिजल्ट आया तो प्रभुपाद के पास में आया। उसमें जो प्रभुपाद के पास में आया उसी हैं वहाँ की जो इलाका है संपूर्ण इलाका में एकदम फर्स्ट आए। जब फर्स्ट आए वो उसका रिजल्ट आया प्रभुपाद के पास में। प्रभुपाद संतोष को बुलाया बोले इधर आओ बोले ये जो बोर्ड परीक्षा में ना तो फेल हो गया।
बोले ये बोर्ड परीक्षा में तो फेल हो गया, देखो उनका कितना विश्वास है। बोले मैं कभी फेल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जो गुरु वैष्णव का सेवा करता है, जो ठाकुर जी की सेवा करता है, वो कभी फेल हो सकता है? वो तो पास होगा ही है। लेकिन उन्होंने दृढ़ विश्वास को साथ में बताया, जो गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं वो कभी फेल हो ही नहीं सकते, वो तो पास होगा ही। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो ये बोर्ड परीक्षा में तुम फर्स्ट आए हो, प्रभु पूरा इलाका में तुमने फर्स्ट आए हो, इसलिए इन्होंने वैष्णव सेवा को ही अपना जीवन का सर्वस्व उन्होंने वैष्णव सेवा में ही उन्होंने बताया। इसलिए इनके ऊपर में सारे वैष्णव का आशीर्वाद, सारे वैष्णव का कृपा इनके ऊपर मिली है, सारे वैष्णव का कृपा इनको प्राप्त हुई है। इसलिए जब ये संत, ये संतोष कहते, ये इनका जब मंदिर में आए, प्रभुपाद इनका नाम रखा सज्जन सेवक है, सज्जन सेवक है। इसलिए मतलब क्या, जितने सेवकों में ये सज्जन है, ये सज्जन है सबके सेवकों में, सचमुच से ये एकदम सारे सेवकों में ये सज्जन थे है? क्योंकि गुरु वैष्णव की बड़ी सेवा करते थे दिन रात है। वैष्णव जब प्रसाद पाएंगे, आसन बिछाना, जागा को साफ करना, उस समय केले पत्ते से भोजन करते थे, केले पत्ते को काट करके लाना, वैष्णव को देना है, वैष्णव जागा को साफ करना, ये सारे सेवा ये करते थे सारे सेवा। इसलिए किसी कारण से क्या हुआ, कभी कुछ वैष्णव लोग किसी कारण से उनको उल्टा पुल्टा नाम पर किसी ने एक इंजाम लगा करके ऐसे केस चला दिया, तो किसी कारण से कुछ वैष्णव जेल में चले गए। जब जेल में चले गए, अभी भैया अभी उस समय केवल इन्होंने तो हरिनाम लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लिए। लेकिन प्रभुपाद का समय में बहुत कड़क नियम अर्थ था, कभी भी अधिक्षित व्यक्ति के हाथ से कभी कोई भोजन नहीं करते थे, कोई भोजन नहीं करते थे। जब दीक्षा हो जाएगी, जनेऊ संस्कार होएगी, तब उसका हाथ का पानी तभी कोई पीते थे, नहीं तो कोई नहीं पीते थे, हैं? नहीं पीते थे। जैसे ठाकुर का प्रसाद है ना, उसमें हाथ भी नहीं लगा सकता था, वो हाथ में परिवेषण करेगा तो उसका हाथ का वस्तु कोई ग्रहण नहीं करेगी, कोई ग्रहण नहीं करेंगे उसका हाथ, उसको छूने भी नहीं देगी, वो चीज उसको छूने तक भी नहीं देगी, जब तक वो दीक्षा मंत्र के द्वारा उनको है यज्ञ जनेऊ संस्कार नहीं हो जाएगा, उसको स्पर्श करने नहीं देंगे उसको। उसमें बड़ी कड़क नियम था, किसका किसी दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करते थे, वो अपना बर्तन में ही भोजन करते थे, हैं? इसलिए अभी वो तो जेल में चले गए किसी कारण से, अभी केवल ये छोटे बच्चे थे, बाहर थे, अभी ये वैष्णव को कौन भोजन खिलाएगा? वो तो जेल में सभी को हाथ में खाना नहीं खाएंगे उनका हाथ में, क्योंकि ये दीक्षित है, हैं? ये सबके सब दीक्षित है, सबके सब भजन करने वाले हैं। इसलिए इन्होंने फिर इन्होंने जो हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जब जेल के अंदर में लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको उन्होंने कान में मंत्र दिए, बोले जाओ अभी तुम्हारे जनेऊ संस्कार नहीं हुई है, अभी कान में मंत्र दे देता हूँ, ये मंत्र को सुन लो, और ये मंत्र को ऐसे तुम जप करना, और जप करो अभी तुम भोजन बना करके हमको खिला सकते हो। तो इन्होंने बहुत सारे वैष्णव को है, जब कोई वैष्णव कोई विपत्ति में पड़े उसी समय अगर कोई थोड़ी सी सेवा करना वो खुश हो जाता है। अब देखना विपत्ति में कोई पड़े हुए हो अगर उसी समय किसको खुश सेवा करते तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सारे वैष्णव की उन्होंने सेवा किया, सेवा करने का वजह से सब वैष्णव इनके ऊपर में प्रसन्न रहे हैं। और इन्होंने सारे कागज लेकर करना, बाद में पता चला जिस कारण से गए तो झूठा था, किसी कारण से मेरे सबके सब जेल से निकल गए, उस समय उन्होंने उनकी सेवा की, बड़ी उन्होंने सेवा की वैष्णव की। इसलिए सब वैष्णव का कृपा इनके ऊपर में, सब वैष्णव की कृपा है। उसी समय जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना, वो छोटे बच्चे थे जब आते थे, प्रभुपाद क्या करते थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे, बोलते देखो जो एक श्लोक याद करेगा ना उसको एक टफी मिलेगा। छोटे बच्चे हैं, टफी खाने का चक्कर में है लोभ में वहाँ बच्चे लोग सब श्लोक सुनाते थे सब। तो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहते थे मैं तो दिन में 5-5 श्लोक 10-10 श्लोक याद कर लेता था है, क्योंकि एक टफी मिलेगा याद करके। इसलिए उनकी कहते इनको इतने श्लोक याद करते थे, याद किए हुए थे। वो बोलते थे अगर मैं
कंटिन्यू अगर मैं श्लोक को बोलूंगा तो है श्लोक को बोलूंगा तो 7 दिन में भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इनको कहते थे ये डिक्शनरी, गौरी मठ की ये डिक्शनरी है। इतने इनकी बुद्धि तेज और इतने बुद्धि है, इतने इनकी स्मरण शक्ति थी है। इसलिए वो बोलते थे अगर 25 साल तक कोई ब्रह्मचर्य पालन करे ना, एकदम 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करे, देखोगे आप जो कुछ आप है जो कुछ आप पढ़ोगे ना सब छठ याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है ब्रह्मचर्य अगर कोई पालन करे तो। इसलिए श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जब इन्होंने आचार्य पद में पहले तो इनको संन्यास देने के लिए बोल रहे थे भक्ति हैं प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज सोचे इनको संन्यास दे और प्रचार के लिए भेजे। कुछ समय उन्होंने देखा यहाँ पर 3 व्यक्ति है जो संन्यास लेने का योग्य है। कौन है? श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। देखिए ये तीनों व्यक्ति ये सन्यासी का योग्य है, ये तीनों को सन्यासी दिया जाए। जब स्थिर किया तो उन्होंने बुलाया ये तीनों को, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले देखो हमें चाहता हूँ तुम तीनों ने सन्यास ग्रहण करो, सन्यास लेकर जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार करो। लेकिन देखो वो इतने बुद्धिमान और इतने दिमागदार और इतने स्मरण शक्ति, इतने शास्त्र जानते हैं, लेकिन इन्होंने बताए भैया हम तो सन्यास लेने का योग्य है नहीं, हम सन्यास नहीं ले सकते थे, ले सकते। बोले क्यों? तब ये बोलते थे जब प्रभुपाद के जो बड़े बड़े शिष्य लोग थे हैं, भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज, कहते ये लोग जब बैठ करके आपस में ये बैठ करके हरी कथा करते थे, जब हरी कथा करते तो बैठ करके ये तीनों हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे हम तो किसी एक कोने में बैठा करते थे और हम सुनते थे ये क्या बोलते हैं, लेकिन वो इतने हाई फाई कथा बोलते थे कहते हमारे पल्ले में नहीं पड़ता था, ये क्या बोल रहे हमारी समझ में नहीं आता था, मतलब इतने हाई फाई विषय पर वो डिस्कशन करते थे। इसलिए हमारे ये लोगों ने बोले भैया हम लोगों ने संन्यास ही देखा है, हम लोगों ने संन्यास को देखा है, कितने विद्वान कितने श्रुतिधर और कितने भजन परायण, हम सन्यासी प्रभुपाद के गण को देखे, हम सन्यास लेने का लायक है नहीं, हम तो सन्यास नहीं लेंगे। हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज मना कर दिया। फिर उन्होंने हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गौर नारायण को बुलाए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले तुम क्या कहते हो, दोनों तो मना कर दिया तुम क्या कहते हो। देखो इन्होंने क्या बोला है, बोले गुरुदेव मैंने जब घर छोड़ करके आपका श्री चरण में आया हूँ, कहते पत्नी का जो प्रेम, पत्नी पति जो प्रेम थी, मेरी पिता माता के प्रति जो प्रेम था, बच्चों का प्रति जो मेरी प्रेम थी, परिवार का प्रति जो मेरी प्रेम थी, मैंने सारे प्रेम को एकत्रित करके मैंने आपका श्री चरण में मैंने दे दिया। अभी मेरे को पता नहीं मेरे कल्याण कैसे हो, अगर मेरे को आप नंगे रखवाना चाहते हो मैं नंगे रह सकता हूँ, अगर मेरे को सन्यासी देकर रखना चाहते हो मैं सन्यासी में रह सकता हूँ, अगर मेरे को सफ़ेद कपड़ा पहनाना करके चाहोगे तो मैं सफ़ेद कपड़ा में रह सकता हूँ। इसलिए गुरुदेव आपकी शिक्षण में मैं संपूर्ण शरणागत हूँ, आप जैसे चाहोगे वैसे मेरे को रख सकता हूँ। इसको सुन करके ना भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इतने प्रसन्न, वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। फिर उन्होंने बोले ठीक है हम तुम्हें संन्यास देंगे। जब उन्होंने पता चला ये संन्यास लेंगे, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी महाराज जब पता चला गौरव नारायण संन्यास ले रहे ऐसे ऐसे बोले, बोले ठीक है हम भी लेंगे, बोले ठीक है हम भी संन्यास ग्रहण करेंगे। फिर उन्होंने ये तीनों को उन्होंने संन्यासी उन्होंने ये तीनों को प्रदान किया है। और ये तीनों ने जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों थे ना, इसलिए ये तीनों ने ही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को साथ में तीनों जाते थे प्रचार करने के लिए। और उस समय जो प्रचार है ना इतने आसानी नहीं थी, इतने आसानी नहीं थी और इतने सहज नहीं था, जमीन में चल चल करके कीचड़ में चलते 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 प्रचार करने जाते थे,
हमारे बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, आप सोच नहीं सकते हो इन लोगों ने जो प्रचार करने के लिए जब जाते थे जमीन में कैसे चल चल करके जाते थे, कितने दूर दूर में, और गांव में प्रोजेक्टर को लगा करके, उस समय कांच का होता था, लगा करके लीला दिखाते थे महाप्रभु। हमने हम भी देखा ऐसे लीला दिखा करके, महाप्रभु ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, वो दिखाया करते थे, हैं, वो दिखाया करते थे, ऐसे प्रचार करते थे गांव गांव में जा जा करके, और किसी तरह से गांव में जाना, बाथरूम पायखाना में तो लैट्रिन बाथरूम होती किसी घर में नहीं होता था, गांव में सबके सब मैदान में जाओ, बोतल में पानी लेकर के मैदान में जाओ। बामन गोस्वामी महाराज कहते एक बाल्टी पानी में शौच क्रिया करना, अपना दांत दांत साफ करना, मार्जन करना, स्नान करना, सब कुछ एक बाल्टी पानी में हम लेकर के सारे काम करते थे एक बाल्टी पानी में। और जब वो पहले ये बामन गोस्वामी महाराज मंदिर में रह करके प्रेस में काम करते थे, है? प्रेस में ग्रंथ को छपा, जैसे पत्रिका को इसको छपवाना, ग्रंथ को प्रूफ रीडिंग करना, पहले मंदिर में रह करके ये मंदिर की सारी सेवा करते थे, मंदिर में रहते थे। एक दिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने इनको बड़ी जोर से शासन किया, जिंदगी भर अपना मंदिर में बैठ बैठ कर समय बिता दिया, प्रचार नहीं करोगे, ऐसे करने से काम चलेगा, जब प्रचार करने के लिए जाओ। एक समय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी को बड़ा डांट लगा दी, डांट लगा दिए तो वो कहते हैं जब गुरुजी ने आदेश दिया जाओ प्रचार करने के लिए, कहते तो घर मंदिर से बाहर गए तो पूरा बाहर ही गए, फिर तक मंदिर में आए नहीं। साल में जैसे परिक्रमा होता है आते थे, नहीं तो साल भर उन्होंने प्रचार उन्होंने प्रचार प्रचार, गुरुदेव ने आदेश दिया तो उन्होंने प्रचार प्रचार में ही अपना जीवन बिता दिए। कहते एक समय जो प्रेस, पहले का प्रेस आप देखे होंगे, होता था ना लोहा ऐसे गिरता था उठता था, देखे होंगे ना कैसे होता था। एक दिन वो प्रेस में जैसे कागज देते हैं निकालते, ऐसे करते करते हठात भूल से इनके हाथ कैसे अंदर में चली गई, चली गई तो कितना लोहा बड़ा होता था ना, वो हाथ में गिरा तो इनके जो अंगुल है ना एकदम दब गई, अंगुल की कर कर कट गई थी अंगुल, और इतने खून से लथपथ हो गया, है एकदम खून से लथपथ इनके अंगुल हो गई। तो इन्होंने जब पता चला कि इसको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को है, इसलिए केशव गोस्वामी महाराज इनको है, इनको बड़ी बड़ी प्रेम करते थे, इनकी सेवा चेष्टा देख करके बड़े प्रेम करते थे, इसलिए कभी कभी वो कहते थे हाँ भक्ति बावन गोस्वामी महाराज के लिए मंदिर में और जितने सेवक है अगर के तराजू ले लो, एक तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में श्रील बावन गोस्वामी महाराज का सेवा को एक तरफ में रख लो, और तराजू का दूसरे तरफ में और सेवक का सेवा को अगर रख लोगे, बावन गोस्वामी महाराज का जो सेवा जो पल्ले का भोजन भारी पड़ेगा, भोजन का भारी होगा इनकी, मतलब इतने ये सेवा करते थे। जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को पता चला ऐसे ऐसे, उन्होंने आए और आ करके उनको अपना गोद में है, उनको गोद में भर कर रोने लग गए, मतलब इनकी इतने सेवा चेष्टा थी, इनको गोद में लेकर रोने लग गए। अगर गुरुदेव किसकी इतना सेवा चेष्टा को देखे और हृदय से प्रसन्न हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए, कोई चीज की बाकी रहेगी, कोई चीज बाकी रहेगी। ऐसे उन्होंने निष्कपट होकर के गुरु जी की सेवा को, उन्होंने निष्कपट होकर के उन्होंने सेवा किया है। इसलिए कभी इन्होंने सब भक्त लोग थे, सब शिष्य लोग थे, कभी उन्होंने बताए, उन्होंने भक्ति का डेफिनेशन पूछे, बताओ तो भक्ति का क्या डेफिनेशन है, तो भक्त लोग ने सब लोग ने सब भक्ति का डेफिनेशन बताया, अलग अलग शास्त्र से भक्ति का डेफिनेशन किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर्थम, अलग अलग सब बताए, सा परानुरक्ति ईश्वरे हैं, इसलिए सभी पुंसा पर धर्म जत भक्तिर अध्यक्ष सजे अहे तो की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति, इसलिए सब अलग अलग सब बोले। लेकिन जब इनकी बारी आई ना, तो इन्होंने बोले भैया हम तो भक्ति भक्ति कुछ जानते नहीं, भक्ति भक्ति हम कुछ नहीं जानते। बोले क्या जानते हो, बोले अगर हमारी सेवा चेष्टा देख करके गुरु और वैष्णव अगर खुश हो जाए, अगर हमारी सेवा देख करके हमारे सामने गुरु और वैष्णव लोग गए, अगर ये अगर खुश हो गए ना हमारी सेवा देख करके, भैया फिर हम समझेंगे हमारी भक्ति हो गई, हमारी भक्ति
हो गई। अगर यही अगर संतुष्ट नहीं हुए, हमें क्या पता ठाकुर जी खुश हो रहे कि नहीं हो रहे। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज वो इतने प्रसन्न हुए, बोले तुमने सही बताए, तुमने सही बताए, हमारी सेवा चेष्टा से गुरु वैष्णव प्रसन्न हो रहे कि नहीं, ये चीज को तुम देखा करो। अगर ये संतुष्ट हो गए, क्या समझनी चाहिए, हमारी सेवा धन्य है, ठाकुर जी हमारे ऊपर में ठाकुर जी प्रसन्न है। इसलिए जब भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज बोले, बोले जा निकल जा घर, जिंदगी भर घर में बैठी कर, घर के कोने में बैठा, बाहर जाओ प्रचार करने के लिए। कहते जब भेजे है ना, इसको चार्ज नहीं दिया। हरे कृष्ण, पीछे हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है, पीछे तक आ रही है। कहते इनको जब निकाल दिया ना, फिर तो इन्होंने निकले तो निकले, और इतने कष्ट सहन करते हुए इन लोगों ने प्रचार किया है ना। पहले गांव का अवस्था पता होगा है? बाहर जाकर के एक समय इनको निमंत्रण दिए, जब निमंत्रण दिए कुछ भक्तों ने गांव के, एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव में जाते थे। जब इनको निमंत्रण दिए, बोले भैया गुरु जी को हमारे घर का स्थिति तो अच्छी है ही नहीं, गुरु जी को अपना घर में रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने गांव में कोई एक अच्छे मकान को स्थिर किया, जिसका कोठा था है? बिल्डिंग था, गुरु जी यहीं पर रहेंगे। जब गुरु जी उनके घर में गए, उनको खिला पिला कर बोले गुरु जी हम मेरे घर में नहीं रहेंगे, अब के लिए हमने बढ़िया घर की व्यवस्था की है, अब वहां पर रहेंगे। देखो महाराज क्या कहते हैं, बोले नहीं तुम मेरे शिष्य है ना, तुम मेरे शिष्य, शिष्य कौन होता है, अपना बेटा होता है, अपना बेटा बेटी होते हैं, इसलिए गुरु जी के लिए शिष्य का घर ही अपना घर है, क्योंकि जो शिष्य है क्या होता, अपना बेटा होता है ना, अपना बेटी है, तुम लोग मेरे बेटा बेटी हो, मैं अपना घर में आया हूँ, इसलिए मैं अपना घर छोड़ करके और किसी घर में नहीं जाऊंगा। बोले गुरुदेव हमारे घर में पैखाना करने के लिए सुविधा नहीं है, आपको पैखाना करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बगीचा में जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम अपना घर में, जो हर घर घर में पीछे बगीचा होती थी, बोले वहीं पर गड्ढे खोद दो, और टाट होता है ना, टाट, टाट को वहां पर लगा दो, मैं वहीं पर ही पैखाना करूंगा और वहीं पर रहूंगा, और किसी दूसरे घर में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने गई नहीं, और उनकी घर में ही रहे, घर में रह करके वहीं पर ही रह करके उन्होंने प्रचार किया है। एक बार महाराज जी गांव में उसी दिन कथा कही, किसी गांव में गए, गांव में गए तो अब लोग गांव में गए हो, जो पुराना पुराना गांव, उनका जो घर होता है ना भूस से घर होता है, भूसे से बना हुआ गांव होता है, हैं? और भूस से बना हुआ है, अभी गुरुदेव जब वहां पर गए तभी वो जो भूस से बना हुआ है वो भी ठीक, अभी ठीक नहीं था, और उसी घर में जब गए गुरु जी को उसने अपना घर में रुकवाया। फिर उनने जो उनका जो सेवक था गोपीकांत प्रभु, उन्होंने दूसरे घर में रुके, ये घर में ये रहे। जब गए रात में बारिश आ गई, जब बारिश आ गई जो जो भूस से बना हुआ था वो सही नहीं था, जब बारिश हुई तो पानी गिरने लग गया, जब पानी गिरने लग गया अभी गोपीकांत प्रभु ने देखा भैया तो पानी गिर रहा है, अभी गुरु जी कैसे रह रहे, गुरु जी कैसे रह रहे। तब उन्होंने आए देखने के लिए, आए घर देखने के लिए आए तो गुरु जी जो छतरी है ना, जो छतरी था वो छतरी को लेकर गुरु जी बैठे हुए रात भर, क्योंकि बारिश हो रही ना, बारिश हो रही तो उनका भूस भी सही नहीं था, पानी गिर रहा था, अभी क्या करेंगे। इधर माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात भर बैठ करके हरिनाम कर रहे थे, हैं हरिनाम कर रहे, छतरी लेकर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने रात उन्होंने किसी तरह से बिताए, बिता करके फिर उन्होंने उसी गांव से फिर उन्होंने दूसरे गांव में चले गए, हैं दूसरे गांव में चले गए। एक बार उन्होंने प्रचार करने के लिए गए,
इनको साथ में जब जाते थे, दो तीन ब्रह्मचारी तो रहते थे, मृदंग बजाना, रोसी बनाना, कीर्तन करना रहते थे। लेकिन गुरु जी के लिए गांव है, गांव में कौन कौन रहे हो, कौन कौन गांव में रहे हो, झोपड़ी में कौन कौन रहे हो, गांव में तो रहे। लेकिन भूस का जो घर देखे हो कभी, भूस का घर, अभी हम लोग अभी हम लोग गए थे अयोध्या, तुम लोग गए थे ना, कौन कौन अयोध्या ये गए थे, अभी हम लोग अयोध्या गए थे, हमने सुना अच्छी बात है, पहला बार अयोध्या में कथा होगी, हम अयोध्या गए थे, हमने सुना अच्छी बात, अयोध्या दर्शन करेंगे अयोध्या में। लेकिन बाद में पता चला स्टेशन से जो गांव 30 किलोमीटर दूर है गांव, वो हमको ले जा रहे थे, हमने देखा भैया, मैं सोचा अयोध्या में कथा होगी, ये तो कहीं गाँव में ले जा रहे, खेती चार तरफ पे कुछ है ही नहीं, खेती खेती खेती, मैंने कहा हमको कहाँ ले जा रहे हैं खेती में, खेती कर ले रहे हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और ले करके पता नहीं किसी गांव में, जमीन चार तरफ में जमीन है, जंगल है, और वहीं पर तो वहीं पर वहां पर क्या हुआ, वहां एक महीना से बारिश नहीं हो रही थी, बरसात का समय, जो धान जो खेती है ना उसके लिए ज्यादा पानी जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ एक महीना से। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोगों ने जब पहला दिन शुरुआत किया ना, अब सोच नहीं सकते, इतने बारिश ही पहला दिन में, इतने बारिश हुई, लास्ट में जो टेंट है ना जिसमें कथा कर रहे थे भी गिर गया बारिश में। और उनका जो घर है ना सामने, वही फूस का घर सामने, पीछे एक घर जिस रूम में रुके हुए थे, वो सीमेंट का बिल्डिंग था, लेकिन वो था सामने, वो झोपड़ी का घर था, उसका भी पानी आकर के घुस गया अंदर में, वो तो स्टेज ही गिर गया। फिर हम लोगों ने फिर कथा विश्राम, जब कथा विश्राम हुई, कथा में कुछ नहीं था लेकिन कथा विश्राम में, वहाँ के लोग इतने प्रसन्न हो गए, बोले बाबा एक महीना से बारिश नहीं हो रहा था, खेती सूख रहा था, हम सोच रहे थे अभी वो निकलने वाला शीश, अगर बारिश नहीं होना फिर तो शीश नहीं निकलता है, अब सोच नहीं सकते 7 दिन तक वहाँ बारिश हुई रोज। लेकिन आश्चर्य की बात था, ये सब थे वहां पर, थे हमारे साथ में, आश्चर्य की बात है, कथा को आगे बारिश होती थी, कथा को पीछे, लेकिन जब कथा की समय होती थी बारिश नहीं होती थी, एक आश्चर्य घटना देखा, कथा का समय में बारिश नहीं लेकिन आगे बारिश। और हम सोच रहे हैं भैया 7 दिन तक टेंट गिरते रहा, एक दिन तक गिरा है, दूसरे दिन भी किसी तरह, दूसरे दिन भी गिरा, तीसरे दिन भी लगाए, तीसरे दिन भी गिरा, चौथे दिन भी टेंट गिरा, इतने बारिश, इतना बारिश वहां पर बारिश हुई है, इसलिए 7 दिन तक वहां बारिश हुई। और उनका जो घर है ना, पहले तो हम जाकर के हमको बड़ा अजीब सा लगा, क्यों, हम शहर में रहते रहते हमारा आदत बिगड़ गया है, शहर में रहते थे हमारा आदत बिगड़ गया अभी, लेकिन पहला दिन में जाकर के बड़ा अजीब सा लगा, ये कहाँ पर हमको ले आए है, कहाँ पर ले आए, इसलिए। लेकिन पहला दिन था, लेकिन दूसरे दिन से ना, अब जैसे रहो आपको वैसे आदत बन जाती, उसको बाद में फिर हमें अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ का जो हवा फ्रेश हुआ, चारों तरफ में खेती हरी हरी और पेड़ पौधा है, एकदम नेचुरल वहाँ पर आनंद, हवा एकदम पूरा एकदम प्योर हवा है, शहर का हवा नहीं, प्योर हवा है, है? इसलिए वहाँ पर जो खाना खान पान है ना, खेती का चावल, खेती का दाल, खेती का सब्जी, उसमें जो टेस्ट है हमने देखा ना, शहर में भी ये चीज हम वही चीज होता है, लेकिन शहर में वो टेस्ट नहीं है, वो जो वहाँ के जो दाल चावल सब्जी, मेरे को शुगर थी शुगर, लेकिन मैंने सारे सबको तोड़ दिया, वहां पर चावल खाए, आलू खाए और सब चीज खाए, लेकिन मेरी तबीयत तो कोई दिक्कत नहीं रही, तबीयत सही रहा, क्योंकि और जो नेचुरल हर चीज नेचुरल मिल रही थी, इसलिए इसलिए बावन गोसाई महाराज गाँव के था, वो घर था झोपड़ी, उसमें क्या हुआ था, कि चूहा मर गया था, आप पता होगा अगर चूहा मर जाए ना बदबू कैसे आती है, जब उन्होंने घर में घुसे और घर से बदबू आ रही थी, और महाराज को साथ में जो ब्रह्मचारी ना नाक दबा रहे थे, बोले कहाँ कुछ ले आए, अंदर से चूहा कहीं मर गया, उसकी बदबू आ रही है, देखो उनको अंदर में कितने सहन सकती है, कितने सहन सकती है, ऐसे मत क्या करो, ऐसे मत क्या करो, क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति आपको घर में बुलाया, को क्या चाहते हैं, हमने गुरु जी को बुलाया, साधुओं को बुलाया, अगर गुरु जी साधु अगर संतुष्ट हो ना
वो सोचते हैं भैया हमने घर में बुलाना सार्थक हो गया। अगर हम किसको घर में जाए, अगर हम दुखी हो, पर जिस गृहस्थ अपने घर बुलाए ना वो भी दुखी हो जाते हैं। हमने गुरु जी की वैष्णवों को साधुओं को बुलाए, हम इनको सुख नहीं दे पाए। हर व्यक्ति चाहते ना हमारे घर में आकर के ये खुश होकर जाए, बोले ऐसे मत क्या करो, ऐसे मत, रात भर उसको अंदर में रहे, लेकिन कोई शिकायत नहीं कि अरे बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं चूहा मर गया होगा, लेकिन उसको अंदर में भी रात भर रहे, कोई शिकायत नहीं की। और जब ये जाते थे ना नदी पार होकर के, जब वो नदी पार होकर जाते थे, लेकिन वो इतने पैर धस जाएगा कीचड़ को अंदर में, गांव के लोग आकर के उनको गोद में उठा कर कभी कभी उनको कीचड़ों के अंदर में ले जाते थे महाराज जी को, और इनको कीचड़ों के अंदर होते हुए जाना पड़ता। जब गांव गांव में प्रचार, जिनको गांव में घर होगा उनको पता होगा गांव गांव में कैसे है, कैसे मतलब इन्होंने इतने कष्ट करते हुए उन्होंने प्रचार किया। इसलिए जो बंगाली अभी भक्त लोग आते हैं ना, इन लोगों का प्रचार है। भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी, नारायण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने प्रचार किया। बाद में हमारे तीर्थ महाराज उस साइड में, श्री तीर्थ महाराज जाते हैं, उनकी प्रचार का फल है ये जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी प्रचार का फल है। नवद्वीप परिक्रमा में कौन कौन गए हो, नवद्वीप परिक्रमा में कौन कौन गए, वो देखते ना वहां पर जो बंगाली लोग आते हैं, हजार हजार बंगाली लोग आते हैं, वो किस कहां से, बोले इन लोगों का, इन लोगों ने उधर प्रचार किया है इसलिए लोग उधर से ही लोग आ रहे हैं। ऐसे इन्होंने कष्ट सहन करते हुए उन्होंने प्रचार किया। और ये जो महापुरुष है, हम कहते ना त्रिनाद अभी सुनि चे न तरर अभी सहिष्णुना अमानी नांग मान देन कीर्तनीय सुधारी, कहते ये चार गुण वैष्णव के अंदर में होनी चाहिए। सचमुच से इनको अंदर में ये चार गुण पूर्ण रूप में विद्यमान था, है त्रिन से भी ज्यादा दीनहीन है, वृक्ष से भी सहन शक्ति, ये क्या बोलते थे जान तो, देखो सुना, देखना सुनना लेकिन बोलना नहीं। इनका एक एक, एक बहुत बड़ी, कहते ये मंत्र को अगर याद कर लेना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। कहते देखो सुन भी लो लेकिन बोलना मत, ये जितने झगड़ा का कारण है क्या है, बोलना, चुगली करना, ये जीवा। महाभारत क्यों हुआ, ये द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, केवल थोड़ी सी यही बोल दिया, क्या बोल दिया उसने, अंधा का बेटा अंधा होता है। महाभारत रामायण क्यों हुई, सीता ने लक्ष्मण को इतनी सी बोली, हाँ अभी मैं समझ गई हूँ तू साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम जब मर जाएगा तुम मेरे से शादी करोगे। जब रामचंद्र मारी जी को पकड़ने के लिए गए, पकड़ने के बाद जो बाण मारे, बोले ना हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, सीता बोले तुमने सुन लिया, राम को पर कोई विपत्ति बड़ी तुम जाओ रक्षा करो, बोले नहीं भैया मेरे को आदेश दिए नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ मैं, है भैया का आदेश है, बोले भैया मर जाएगा तू तब भी नहीं जाएगा, बोले तब भी नहीं जाऊंगा, भैया मेरे को आदेश देकर गए तुम्हें रक्षा देखने के लिए, बोले अभी मैं समझ रही हूँ क्यों तुमने आया था, राम मर जाएगा तो शादी करोगे मेरे से, वो कहाँ सहन कर सकता, उनको तो अपना माँ समझते हैं। बस गए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा काट करके, माता जी ने लक्ष्मण रेखा को भी क्रश किए, और इन्होंने लक्ष्मण को उन्होंने अपशब्द प्रयोग किया, इसकी वजह से ये रामायण हो गई, इसलिए रामायण हो गई। देखना जो गुंगा व्यक्ति ना कोई शत्रु नहीं होता है गुंगा का, गुंगे व्यक्ति का कोई शत्रु बोलता नहीं मुंह से, उसकी बोली नहीं निकलता है उसका मुंह से, इसलिए कोई शत्रु नहीं बनते है। इसलिए जितने शत्रु मित्र है ना ये जीवा की वजह से, इसलिए वो बोलते थे भैया सुना देख लो लेकिन बोलो मत, लेकिन हमारे अंदर में ना बोले बगैर रह नहीं सकते हैं, सब कुछ हम कर लेंगे लेकिन बोले बगैर कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, जीवा निकलेगा जीवा चलेगा। इसलिए हर चीज में हड्डी है लेकिन जीवा में हड्डी नहीं, क्योंकि हर समय ये लपर लपर कुछ ना कुछ ये बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ ये बोलेगा, और बोलेगा तो लड़ाई, जितने सारे लड़ाई ये जीवा से होती है। इसलिए ये बोलते थे भैया देख लो सुन लो लेकिन मत कहा करो, कुछ बोली बोला। इसलिए हमारे गुरु जी के मंदिर में किस किस को भेजते थे, जैसे हमारे परिव्राजक महाराज किसको, बोले जाओ सिद्धार्थी महाराज का मठ को दर्शन करके आओ। तब जब कोई दर्शन करके वापस आता था, बोले क्या देखा है, हमारे तीनों मंदिर ने गुरुदेव ने तीन बंदर बनाया, तीन बंदर, एक बंदर तो कान में अंगुल देकर बैठा हुआ, एक बंदर तो मुंह में हाथ लगाकर बैठा हुआ, और एक बंदर आंख बंद करके बैठा हुआ। बोले तुमने क्या देखा है, क्या देखा है, बोले बंदर तीन बंदर देखा,
बोले हाँ देखा 3 बंदर बैठे हुए। बोले वो बंदर देखा तुमको सिख्या क्या मिला है, क्या तुमने सिख्या ग्रहण की? बोले बोले एक तो कान में अंगुल देकर बैठा हुआ। बोले क्यों? बोले कारण है कथा सुनेंगे तो कृष्ण कथा ही सुनेंगे, कृष्ण कथा के सिवाय और कोई कथा नहीं सुनेंगे। बोले एक आंखों में हाथ लगाकर बैठा। बोले क्यों? बोले देखेंगे तो कृष्ण कृष्ण भक्त दर्शन करेंगे, इसके सिवाय और कोई चीज को दर्शन नहीं करेंगे। एक मुंह में हाथ लगाकर बैठा। बोले क्यों? बोले बोलेंगे तो कृष्ण कथा ही बोलेंगे, इसके सिवाय और कथा हम कोई बोलेंगे नहीं है। इसलिए ये बात को ये कहा करते थे बावन गोस्वामी महाराज, कहते इनके अंदर में हाँ कहते थे बोले कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी आछे जा रहे सही तो वैष्णव। बोले वैष्णव कौन है? बोले जो 3 चीज से दूर रहता है, एक कनक, कनक मतलब होता है पैसा, वो कभी बैंक में नहीं गए, वो उनका पॉकेट में जो पैसा होता था ना, बोले यही मेरे बैंक है, वो कभी कहीं कहीं नहीं गए, बैंक में कभी नहीं गए, बोले यही मेरा सर्वस्व है, है? इसलिए प्रतिष्ठा, ये तो प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते थे। कहते इनकी जन्म तिथि में हाँ जैसे ये आचार्य शिष्य लोग इनका गुरु पूजा बनाएंगे, लेकिन ये इनको दिखाई पड़ता था गुरु पूजा से एक दिन तक तो देखेंगे, लेकिन जिस दिन गुरु पूजा होएंगे ना एक दिन पहले वो कहाँ चले जाएंगे उसको पता नहीं चलता था, ढूंढते थे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, वो तो कहीं चले गए किसी भक्तों को लेकर के, वो कहीं चले जाते थे, अपना गुरु पूजा को करने नहीं देते थे। सारे शिष्य लोग आए मेरी पूजा करे, मतलब इनका अंदर में ऐसे भावना। जब ये दीक्षा मंत्र देने जाते थे कहते थे हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम महाराज को, बोले हमें आदेश दो ये पाप कर्म करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मतलब इनके अंदर में इतने दीनता है, मैं ये पाप कर्म करने जा रहा हूँ, मेरे को आदेश दो, इनके अंदर में इतने दीनता भावना इनके अंदर में, इसलिए ये यहाँ तक भी सभी का कल्याण तक किया, भूतों का भी कल्याण किया, इन्होंने भूतों को भी शादि दिलवाया है। कभी ये कहीं गए हुए थे जो कोर्ट कचहरी मामला में जाते थे, आते आते रात हो गया, जब आ रहे थे हठात देखा वहां पर बड़ी धूमधाम से बैंड पार्टी बाजी बाजा बज रहा है, लाइट जल रहा है पूरा दिन जैसे। उन्होंने बोले ये क्या है, ये जंगल में सब इतने जोर तोर से बैंड पार्टी बाजा बज रही है और लोग इतने लोग, तब इनको देख करके दो पति पत्नी आए, बोले बाबा यहाँ पर अपना बेटी की शादी हो रही है, आओ थोड़ी हमारा बेटी की शादी करा के चले जाओ। ये सब मंत्र जानते थे, सारे मंत्र इनका मुखस्थ था, तो इनको लेकर गए, लेकर के उन्होंने मंत्र पढ़ करके दोनों का शादी करवाए। बोले बाबा चिंता मत करो, उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाए और जो ऑक्सीजन का जितना फल होता है ना वो एक टोकरी में भर करके बोला बाबा इसमें बैठो आप चले जाओ। लेकिन वहां से करीब करीब आधा घंटा रास्ता चल करके, लेकिन इनको घोड़ा गाड़ी में ना 2-4 मिनट में झट पहुंच गए। बोले आ गए, बोले आ गए, देखो आ गए ना। बोले हाँ आ गए। जब उन्होंने जब गए लेकिन उनको कुछ महसूस हो गया, ये कोई अनहोनी है, ये कोई सही चीज नहीं था, ये नहीं था, ये भूतों का तो, भूत तो लोग नहीं थे, लेकिन जहां जाने का था जब गए वो एक प्रभुपाद का शिष्य थी, उन्होंने रात को जब आए रात 2 बजे करके रिसो गए। बोले भैया इतना रात तक तुम क्या कर रहा था? बोले अब उस बोले मैं कल सवेरे बताऊंगा, अभी नहीं अभी सो जाता हूँ। तब उन्होंने सो गए। जब सवेरे उठे पूछे भैया तुमने इतना रात तक क्या कर रहा था? तब उन्होंने पूछा मैं जब आ रहा था अमुक स्थान पर मैंने देखा कोई दुकान वकान घर द्वार है? बोले नहीं वहां पर कुछ है नहीं। बोले वहां पर देखा कोई शादी हो रहा था और बैंड पार्टी बजा बज रही थी, बड़ी धूमधाम से हो रही थी और वहां पर मेरे को ले गए, मैंने शादी करवाया 2 पति पत्नी की, और उन्होंने देखो जो मेरे को जो कुछ दिया है फल, देखा सारे उसी समय का फल है ही नहीं, वो अलग समय का अपसर्जन का फल है। और बोले ये 2-4 मिनट में मेरे को पहुंचा दिया, वहां से आधा घंटा कम से कम रास्ता, वो भूत है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने बोले फिर पता लगाए तो पता चला वहां पर वरजात्री आ रही थी शादी के लिए, उसमें दूल्हा दुल्हनी उनको पिता माता सब थे, वो उधर से आते समय वहीं पर कहीं वज्र गिरा तो सबके सब वहीं पर मर करके खत्म हो गए थे, वहीं पर सब प्रेत बने हुए थे और उनका शादी नहीं हो पाया था। हाँ उनकी शादी वो अपेक्षा कर रहे थे कोई संत आएगा शादी करेगा तो इनके कल्याण होगा, इसलिए उन्होंने उसी
इन्होंने उनको शादी करवाया, उनका भी उद्धार किया। इनके जीवन में ऐसे बहुत भूतों की कथा आती है, जिन्होंने इन्होंने भूतों को भी, उन्होंने जीव को तो कल्याण किया ही है, यहाँ तक भी उन्होंने भूतों का भी उन्होंने कल्याण करवाया है। और इनके साथ में ठाकुर जी, कहीं अगर चावल जल गया मंदिर में, ठाकुर स्वप्न देते थे, उनके ऊपर जला हुआ चावल खिलाया। कहीं अगर ठाकुर को सही सही सेवा नहीं हुई नवद्वीप मठ में, भिक्षा में जो चावल वही खिलाते थे, वो बड़ा मोटा मोटा चावल होता है, ठाकुर स्वप्न दिया बोले तो देखता नहीं मेरे को कैसे खाना खिला रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे पतला पतला दाल और कोई है चावल तुम देख दो। तब उन्होंने बुला करके फिर वहां पर गोविंद हो गए स्पेशल चावल की व्यवस्था की उन्होंने ठाकुर के लिए अलग प्रसाद की। कहीं ठाकुर जी का कपड़ा, जैसे गोपीनाथ जी का कपड़ा फट गया था, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न दिए मेरे लिए अच्छे कपड़ा लेकर के आओ, उसमें हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी, मित्र विक्रम गोस्वामी महाराज, बावन गोस्वामी महाराज अच्छे कपड़े लेकर गए, गोपीनाथ को पहना करके आए, देखा सचमुच से फटे कपड़ा पहना है। इसलिए कहीं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई तो सही सही ठाकुर का सेवा नहीं था। जब वापस आए ठाकुर जी स्वप्न दिए, तुम मेरे को देख कर गए हो, मेरे को कैसे बिस्तर कैसे खाट मेरे लिए है नहीं, तो इसकी व्यवस्था करो। मतलब ठाकुर जी इनको साथ में डायरेक्ट इनके साथ में बात करते थे इसे। और एक घटना सुना करके प्रभु जी आपको जीवन कुछ सुनाएंगे। ये देखो कितना आश्चर्य में आज वहां पर एक कथा सुनाया। मतलब एक समय बंगाल में देखना सब लोग मांस मछली खाते हैं। अभी किसी तरह से कथा सुन करके एक माता जी परिवर्तन हुई, वो भी वहीं पर आई थी, उनका नाम था भारती। तब उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लिया, लेकिन पति मांस मछली खाता है और इसने मांस मछली छोड़ दिया, गला में कंठी तिलक पहन लिया। वो पत्नी उसको बहुत सताया कर, पति उसको सताया करता था, बोले कहाँ घुस गई, मांस नहीं खाएंगे मछली नहीं खाएंगे, इसका बगैर कोई जीवन है, है? कभी कभी मारता भी था, कभी कभी मारता था। वो बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने ऐसे मारा, वो इतने दुखी हो गई, बोले मैं अपना प्राण त्याग दे दूं। अब भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज सिलीगुड़ी में थे उस समय, और सिलीगुड़ी का घटना है। अभी उसने बड़े दुखी होकर के आई, बोले आज जा रहा हूँ गुरु जी को दर्शन करूंगी, और गुरु जी को दर्शन करके मैं जाकर सुसाइड कर लूँ। उसी समय गुरु जी विश्राम कर रहे थे, उनका जो सेवक था, बोले अभी गुरु जी विश्राम कर रहे, थोड़ी देर में आदमी दर्शन करना। वहीं पर बैठी हुई, जब गुरु जी का विश्राम हो गया, जब गुरु जी से मिलने के लिए गई ना, गुरु जी खुद बोल पड़े, बोले पागली सुसाइड करना चाहिए, ये जीवन कितना दुर्लभ जीवन मिला भजन करने के लिए, ये सुसाइड के लिए जीवन मिला, खबरदार कभी मन में भी ये चीज नहीं सोचना, तुम कोई चिंता मत करो, हर कोई चिंता मत करो, कुछ दिन बाद में तुम्हारे जो पति है ना वो अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, फिर दोनों मिलकर खूब भक्ति करना। वो तो सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, गुरु जी को कैसे पता चला मैं सुसाइड करूंगी, है गुरु जी को कैसे पता चला। फिर उसने सुसाइड करना छोड़ दिया सचमुच से। कुछ दिन बाद में उसका जो पति है ना वो सब कुछ छोड़ करके, उसने सब कुछ छोड़ करके फिर पावन गोस्वामी महाराज का शिष्य बन गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिए। फिर अभी उन्होंने भगवान की भक्ति भजन करते हैं। पिछले साल वो भी हमारी परिक्रमा में आई थी, इस साल भी आई है, लेकिन उधर उधर रुकी हुई है। हम जहाँ गए थे सबको भी, हाँ उसको मैंने बीच में खड़ा किया, बोल करके बोले तो कोई माता जी है, इनका जीवन ही है, ये इनका जीवन ही है, गुरुदेव कैसे उनको सुइसाइड से कैसे गुरुदेव इनको बचाया और जीवन में कैसे भजन कराए। ऐसे ऐसे गुरु महाराज की बड़ी बड़ी आश्चर्य आश्चर्य घटना महाराज का जीवन में। इसलिए कल उनकी त्रिभाव महोत्सव था, उनका हम लोगों ने दर्शन किया, सेवा भी मैंने की है उनकी, और हम लोगों ने हरि कथा भी महाराज सुने, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं ऐसे गुरु परंपरा में जुड़े हुए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छी बात कहते, देखो कहते हमारा साधन भजन तो हो नहीं पा रहा है, हम बद्ध जीवी है ना हमारे, लेकिन अगर इतना अभिमान किसकी हो जाए, बोले भैया हम किसकी शिष्य हैं, बोले प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य के शिष्य है, प्रभुपाद के महाप्रभु के परंपरा में, सनातन रूप गोस्वामी की परंपरा में इनकी शिष्य के शिष्य के शिष्य, अगर तुम्हारी इतना अगर अभिमान आ गया ना बस, इसी से ही तुम्हारी कल्याण विश्वनाथ चक्र, इसी से ही कल्याण। जैसे अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जैसे जोगी वहां की को क्या है मुख्यमंत्री है, अगर जोगी के कोई परिचित व्यक्ति, जैसे कहीं तुम फंस गया, अगर तुम बोता दे तुम जानते हो जोगी मेरे क्या लगता है, मेरे अमुक के अमुक के अमुक के बाद इतना बोल देगा ना छोड़ दे भाई तू जा तू जा तू जा। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर तुम्हारे मन में ये अभिमान आ गई,
हम प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य के शिष्य है, अगर इतना भी तुम्हारी अभिमान आ गई ना, बस तुम्हारी बड़ा पार है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, ऐसे हम लोगों ने परंपरा में, हम लोगों ने आए हैं। बोले श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज की जय, गुरु परंपरा की बिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। अभी हमारे संजय प्रभु जी कुछ कथा आपको सुनाएंगे। संजय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद नित्य लीला परिष्टम विष्णु पाद अष्टदश शिष्यमत भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। उपस्थित पूज्य भाई श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडत प्रणाम। वैष्णव वैष्णवी सबको मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। बहुत सारी मधुर मधुर स्मृतियाँ और बातें हम लोग महाराज जी के मुख से सुन रहे थे। गुरु महाराज जी के समय में हम लोग इन तीन ये जो तिथियां आती हैं गुरुवर्गों का तिरोभाव और आविर्भाव, इसकी बड़ी अपेक्षा प्रतीक्षा किया करते थे। गुरु महाराज जी बड़े भावपूर्ण और गदगद कंठ से इन सब तिथियों पर उन्होंने संग किया। गुरु जी कहते थे मैंने 60 वर्ष संग किया शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का, मैंने 60 वर्ष संग किया शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का, मैंने लगभग इतना ही संग किया शिला स्वामी महाराज जी का। और बड़े भावपूर्ण गदगद कंठ से गुरु महाराज जी उनके विषय में बहुत सारे दृष्टिकोण से उनकी महिमा को बताया करते थे। जैसा महाराज जी ने भी बहुत सारे गुरु जी की उन्हीं सब कथाओं को स्पर्श किया, बड़ा हृदय स्पर्शी। कल शिला वामन गोस्वामी महाराज जी शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि थी, आज शिला स्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि है, कल शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है। देखिए एक समझने की बात है, जो समझने की बात है, हमारे परम गुरु महाराज शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि ये जो गौड़ीय साहित्य है, ये जो गौड़ीय भजन राज्य है, इसमें लव एंड रैप्चर, प्रीति और विच्छेद, मिलन और विरह, दोनों एक साथ में है, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे, मिलन और विरह, प्रीति और विच्छेद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आज ये जो हमारी विरह तिथि, आज भी शिला स्वामी महाराज जी की विरह तिथि है, कल शिला वामन गोस्वामी महाराज जी शिला त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की विरह तिथि थी, कल शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है। इसलिए जो हमारे परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत में एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, वो कहते हैं कि ए सब लीला कभू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव यही मात्र कहे वेद। भगवान और भगवान के जो परिकर हैं उनकी लीलाओं का परिच्छेद, परिच्छेद अर्थात अंत नहीं है कोई, ए सब लीला कभू नाही परिच्छेद, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी शिला स्वामी महाराज जी अब नहीं है। वो कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव यही मात्र कहे वेद, कहीं इनका आविर्भाव है कहीं इनका तिरोभाव है, आज तिरोभाव है कल आविर्भाव होगा, यही श्री भगवान और उनके नित्य परिकरों की लीलाओं का इसी प्रकार का सामंजस्य है। सुदीर्घ विरह के पश्चात कृष्ण ने देखे, विरह भी चार प्रकार का है, इसको समझेंगे धीरे धीरे वैष्णव संघ में। एक प्रकार का विरह है पूर्व अनुराग, कृष्ण गोपियों से मिले नहीं अर्थात दूर दूर से मिलना जुलना है। अभी ठीक प्रकार से श्रीमती राधिका और गोपियों के साथ कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, केवल उनकी महिमा सुनी गोपियों ने, केवल कृष्ण की महिमा सुनी और उनकी महिमा सुनकर गोपियों का अनुराग हुआ, तो वो भी एक प्रकार का विरह है, गोपियों को कृष्ण से एक प्रकार का विरह हुआ। किंतु जब गोपियां, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे गोपियां जब कृष्ण से मिल गई और उसके पश्चात रास इत्यादि हुआ, बहुत सारी लीलाएं कृष्ण ने उनके साथ में की, किंतु जब कृष्ण मथुरा चले गए,
मिलने के पश्चात गोपियों से जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब गोपियों को कृष्ण से जो विरह होता है उस विरह का गुरुत्व तो अत्यधिक गंभीर है, तो हमको भी गुरु महाराज जी के साथ में हमारा संग हुआ इसी बात को समझना है। यदि थोड़ा सा इस विषय में कुछ प्रवेश कर जाएंगे, गुरु महाराज जी को हम आज भी सुन रहे थे और गुरु महाराज जी इसी बात को कह रहे हैं, जब तक ये विरह का भाव कुछ गुरु के निकट में, गुरु के साथ ही जब तक विरह का भाव नहीं आएगा, तब तक वास्तव में हमारा साधन आरंभ नहीं हुआ। और गुरु के साथ में विरह किसको होगा? गुरु जी कहते हैं जितना अधिक शिष्य ने गुरु के साथ में अपने संबंध को डेवलप कर लिया है, अपने संबंध को जितना प्रगाढ़ कर लिया है, उतना ही गुरु के साथ में विरह होगा। हमको कितना विरह हो रहा है, हमको कितना विरह हो रहा है श्री गुरु से, ये विचार करने का दिन होता है विरह तिथि। शिला प्रभुपाद जी कहते थे, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तिथि के दिन शिला प्रभुपाद जी कहते थे, आज जजमेंट डे उपस्थित हुआ है, निर्णय करने का दिन उपस्थित हुआ है, मुझको मेरे गुरु पाद पद्म से कितना विरह हो रहा है, मैं कितना उनका अभाव अनुभव कर रहा हूँ, मेरे जीवन में उनके बिना किस वस्तु का अभाव है, मैं इसको कितना अनुभव कर रहा हूँ। हमको भी अनुभव करना चाहिए। अभी कुछ समय के पश्चात गुरु जी की भी तिरोभाव तिथि आएगी, हमको भी अनुभव करना चाहिए हमको कितना गुरु जी से विरह हो रहा है। गुरु जी तो चले गए, हमारे जागतिक दृष्टिकोण से ओझल हो गए, 9 वर्ष हो गए, अभी 10 वर्ष हो जाएंगे, हमको कितना गुरु जी से विरह हो रहा है, हमको कितना अनुभव हो रहा है, हमारे जीवन में उनका कितना अभाव है। जब तक उस वस्तु के लिए हम व्याकुल नहीं होंगे, क्रंदन नहीं करेंगे, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी सब समय एक उदाहरण देते थे कि मैया का सारा दूध उसकी संतान उसके शिशु के लिए ही है, छोटा शिशु है, किंतु जब तक शिशु क्रंदन नहीं करेगा तब तक मैया उसको दुग्ध पान नहीं कराएगी। इसलिए जब तक हमारे हृदय में वो क्रंदन नहीं आएगा श्री गुरु के प्रति, श्री गुरु से मिलने के लिए हमारे हृदय में वो लालसा नहीं आएगी, गुरु महाराज जी की स्मृतियां, गुरु महाराज जी की उद्दीपना जब तक वो नहीं होगी, तब तक वास्तव में श्री गुरु से मिलन भी कैसे होगा। इसलिए आविर्भाव तिरोभाव गुरु पाद पद्म यही है, किंतु बस हमको उनकी देखने की योग्यता मिल जाए, अब वास्तव में यही हमारा साधन भजन है, हम गुरु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, साक्षात्कार कर सके, यही वास्तव में हमारा साधन है। हमने शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की बात सुनी। देखिए एक और मैं बात बतलाऊ, महाराज जी की, हमारे महाराज जी का एक वैशिष्ट है, बड़े सहज सरल शब्दों में बड़े सारे गंभीर विषयों को समझा देते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप कुछ रस का भी पान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे गुरु महाराज जी उनके विषय में कहते थे जब उनका नाम श्री रसानंद ब्रह्मचारी था। किंतु अभी आपने बहुत सारे रस का पान किया, मैं थोड़ा सा एक दो जटिल बात आपको बताऊं, इसको समझने की चेष्टा करेंगे, यदि समझेंगे तब वास्तव में गुरुवर्गों की कुछ कुछ महिमा जो है हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। समझना बात की गंभीरता, हम लोग कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, हम लोग कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, हम भागवत धर्म याजी हैं, जैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, ये सब एक ही है। समझना बात को ध्यान से, हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं। दो भागवत है, एक ग्रंथ भागवत है, एक भक्त भागवत है। हमारे गुरुजी कहते थे ग्रंथ भागवत में जो सब शिक्षा लिखी है उसको भक्त भागवत अपने चरित्र में पालन करके आचरण करके दिखाएगा। समझ आई बात? ग्रंथ भागवत में जो सब कुछ शिक्षा लिखी है उसको भक्त भागवत अपने जीवन में आचरण करके दिखाएगा। इसलिए ग्रंथ भागवत से भी कहीं अधिक भक्त भागवत का वैशिष्ट है। हम भागवत धर्म पालन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी है श्रीमद् भागवत? कोई बतला सकता है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक कौन सा है? कोई बतला सकता है? कितने साल से परिक्रमा कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए कथा सुनते सुनते? भागवत धर्म याजी हैं, है तो सही, तो बतलाओ प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक कौन सा? अच्छा प्रथम श्लोक बतला दो, बहुत अच्छा। द्वितीय श्लोक कौन सा है? धर्मा प्रोजित कैतो वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम ताप्त्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ऋष्वरा सद्यो हृद अवरुद्धते अत्र कृतभी श्रुश्रुषु भी तत्क्षणात्। ये श्लोक है, ये अभिधेय है। देखिए थोड़ा जटिल विषय है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगा, किंतु जब इच्छा करोगे उस पर कान दोगे और मन दोगे तो कुछ समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 3 श्लोक हैं, पहला कौन सा है? जन्मादस्य जतो अन्वयादि इतर चा अर्थेश अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति जत सूर्य। ये प्रथम श्लोक है, इसमें संबंध बतलाया भगवान के साथ में हमारा क्या संबंध। समझ में आई बात? सुनना कभी समय सुयोग और इच्छा हो मन की तो जाएंगे वैष्णवों के पास में। हम गुरु के निकट में गए,
गुरु जी से दीक्षा ले ली, किंतु गुरु के निकट में जाने की विधि क्या है? भागवत कहती है जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जब श्रेय वस्तु क्या है, जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, इसको जानने की इच्छा हो ना, तब क्या करोगे? तस्मात गुरुं प्रपद्ये, तब गुरु के निकट में जाना। ऐसे नहीं गुरु के निकट में गए, कान में मंत्र भुकवा लिया, हम गुरु के शिष्य हो गए। तो इसलिए इतने वर्ष हो गए गुरु महाराज जी कह रहे इस बात को, मैं दिल्ली मठ में थे गुरु महाराज जी, मैं आपको एक बात बतलाऊं प्रसंग के बीच में। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसका नाम नहीं बतलाऊंगा, बहुत सारे लोग परिचित हैं। उन्होंने प्रश्न किया, लगभग 2009 या 10 की बात है, मॉर्निंग वॉक के बाद गुरुजी आकर के बैठे। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव भक्ति किसको कहते हैं? गुरुजी 2 मिनट के लिए मौन हो गए और उसके बाद गुरुजी ने उत्तर दिया। देखो ये गुरुजी के शब्द है, गुरुजी कहते हैं भक्ति क्या है, मैं इसको समझाते समझाते बूढ़ा हो गया। भक्ति क्या है, मैं इसको समझाते समझाते बूढ़ा हो गया। कहने का अर्थ क्या है, हम कितना समझे, वो तो समझाते समझाते किस अवस्था में आ गए। कहते 60 वर्ष हो गए मुझको समझाते समझाते, और कितना समझाऊं भक्ति क्या है, हमने कितना समझा। तो इसलिए गुरु के निकट में गए, कान में मंत्र फुकवा लिया, उससे केवल संबंध तो हो गया ठीक है, किंतु वास्तव में शास्त्र कहते तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जब गुरु के निकट में जाएंगे शरणागत होंगे क्या भावना लेकर, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय वस्तु क्या है, मुझको मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म को पाके सर्वोत्तम वस्तु क्या है, मैं इसको जानूंगा, तो गुरु के निकट में जाए। इसलिए हमारी रुचि भी नहीं होती, गुरु जी कथा कह रहे हैं, गुरु जी कार्तिक मास में कथा कह रहे थे, कथा हो रही है कि जिस किसी प्रकार से यदि बैठ भी गए तो फिर भी क्या होगा, बड़ी अवस्था ऐसी है कब ये कथा समाप्त हो जाए, कब ये कथा समाप्त हो जाए। कुछ तत्व की बातें फिर सुन लेंगे, कुछ अगली परिक्रमा में सुन लेंगे, फिर नवदीप परिक्रमा में सुन लेंगे। गुरु जी कार्तिक में कथा कह रहे हैं कि फिर सुन लेंगे, अभी थोड़ा समझ में आया, एक साथ थोड़ा समझ में आ जाएगा सब कुछ, फिर और समझ लेंगे। ये मन को धीरे 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 क्या कर रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं, समझ आया तो ठीक, समझ नहीं आया तो ठीक, किंतु गुरु जी कहते इससे होगा नहीं, समझना पड़ेगा, बुद्धि देनी पड़ेगी, मन देना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए गुरु के निकट में जाएंगे इस भावना के साथ में, श्रेय वस्तु क्या जानने के लिए। तो हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या है, संबंध मूलक, संबंध क्या है भगवान के साथ। दूसरा श्लोक क्या है, अभिधेय मूलक, वो जो संबंध है भगवान के साथ वो कैसे जागृत होगा। और तीसरा श्लोक जो है निगम कल्पतरो और गलितम फलम, वो है प्रयोजनात्मक श्लोक। किंतु दूसरा श्लोक जो है अभिधेय, अभिधेय अर्थात प्रोसेस, हम भक्ति कर रहे हैं ना, प्रोसेस क्या है, कैसे हमारी भक्ति डेवलप होगी, कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, इसको कहते हैं अभिधेय। अब मैं बहुत सारी बातें करूंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं 2 शब्द बतलाता हूँ आपको। देखो भागवत धर्म में ये बात कही, प्रथम श्लोक में 2 शब्द आए, उसको सुनना और समझना ध्यान से। धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, ये भागवत धर्म जो पालन करेंगे उनका आचरण कैसा होना चाहिए, अथवा कौन पालन करने का अधिकारी है इस भागवत धर्म को। वो कहते निर्मत सरा, परमो निर्मत सराणाम सताम, ये परम निर्मत्सर साधुओं का धर्म है। समझ में आई बात, परम निर्मत्सर, निर्मत्सर अर्थात जो ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा मान प्रतिष्ठा सबसे दूर है, उनको कहते निर्मत्सर साधु। ऐसे निर्मत्सर साधुओं का ये धर्म है। समझ में आई बात, कितने लोगों को समझ में आई, ये जो भागवत धर्म है इसमें ईर्ष्या का द्वेष का हिंसा का मात्सर्य का कोई स्थान नहीं है। अब हम किसकी महिमा सुन रहे हैं, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की। हमने आरंभ में क्या सुना, जो आदर्श ग्रंथ भागवत बतला रही है उसको भक्त भागवत चरित्र में करके दिखलाएंगे। हमने समझ आया तो विचार, क्योंकि यदि समझ ही ना आए तो मेरे बोलने का लाभ क्या। भक्त भागवत उस ग्रंथ भागवत में जो आदर्श लिखा उसको आचरण करके दिखाएंगे। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का आदर्श सुनिए, वो वर्ष 1930-31 में मठ में आए, हरिनाम किससे लिया, श्रील प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के गणों में उनकी गणना है। हमारे गुरु महाराज जी मठ में कब आए, हमारे गुरुजी मठ में आए लगभग 46-47 में। वो गुरुजी से कितने ज्येष्ठ हुए, लगभग 15-16 वर्ष मठ में पहले आए। शिष्य किसके थे, श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से उनको हरिनाम मिला, किंतु वो सदा अभिमान करते थे, क्या मैं श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का शिष्य हूँ। इतने बड़े थे वो गुरुजी से मठ में, इतना पहले आ गए। और उनका आदर्श क्या है, जब गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि किसी को भी नहीं पता थी, तब श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने एक समय कलकत्ता मठ में स्वयं पैसे दे करके सेवक को भेज करके उन्होंने उत्सव कराया मठ में। किसी को नहीं पता थी हमारे गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि, और एक मठवासी ब्रह्मचारी से उन्होंने गुरु जी का चित्रपट मंगवाया, स्वयं उन्होंने अर्चन करवाया गुरु जी का,
उन्होंने उत्सव कराया, क्या क्या रसोई बनेगी ये सब कुछ निर्देश दे दिया, उत्सव किया, अर्चन करा के गुरु महाराज जी के नाम की जय ध्वनि दी उन्होंने। अपने से 15-16 वर्ष बाद में जो वैष्णव आए हैं उनके प्रति जो गुरु भ्राता का ऐसा आचरण है, अभी हम सुन रहे थे ना, हरिनाम दीक्षा देने जाते थे गुरु जी का, जिन लोगों ने नवदीप मठ में परिक्रमा की, देवानंद गोड़िया मठ में कुछ कुछ लोग हैं, उन्होंने देखा होगा गुरु महाराज जी की भजन कुटिया शिला वामन गोस्वामी एकदम साथ साथ प्रतिदिन गुरु महाराज जी जाते थे उनके निकट में प्रणाम करने, किंतु जिस दिन उनको हरिनाम दीक्षा देना होता था उस दिन वो जाते थे गुरु महाराज जी की भजन कुटी में प्रणाम करने, और क्या कहते थे, मुझको आप आदेश दे दीजिए, मुझको आप आज्ञा दीजिए, मैं पाप करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा उनका आचरण था। जिस समय हमारे गुरु महाराज जी प्रथम बार विदेश गए और विदेश से लौट करके देवानंद गौड़िया मठ आए, उन्होंने स्वयं धन दे करके पूरे मठ को सजवाया, पूरे मठ में फूल मालाएं लगवाई, और स्वयं नाट्य मंदिर में आकर के उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की अभ्यर्थना की। हमारे गुरु जी उनसे 15-16 वर्ष के पश्चात में मठ में आए। इसको कहते निर्मत शरणम, परमो निर्मत शरणम सताम। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे भी एक बड़ा गंभीर कारण है। ऐसी बड़ी सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं, वो किस प्रकार के ज्येष्ठ होने पर भी हमारे गुरु महाराज जी के ऊपर उनका जैसा संबंध, जैसी प्रीति, जैसा उनका विश्वास था। नवदीप परिक्रमा के पश्चात मीटिंग होती थी, वो मठ के प्रेसिडेंट है, आचार्य है, और हमारे गुरु जी जो निर्णय कर देंगे वो उस पर बिना पढ़े उस पेपर पर वो साइन कर देते थे, इतना विश्वास था। बिना पढ़े, कभी ऐसा नहीं उन्होंने कुछ पढ़ा हो। और उनका आदर्श क्या था, गुरु जी के लिए कहते थे श्री नारायण महाराज जी जो निर्णय कर देंगे उसमें मेरा सब प्रकार से समर्थन है, इतना निश्चिंत होते थे गुरु जी के ऊपर, ऐसा संबंध था। और गुरु महाराज जी के जीवन में भी ऐसा ही देखा, जब गुरु जी सारे जगत में विदेश में प्रचार कर दिया, जो लोग पुराने हैं उन्होंने सुना होगा, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, कलकत्ता में जब गुरु जी ने नया मठ बनाया, माणिक स्ट्रीट पर जो अभी हमारा नया मठ बना है, जब उसका नामकरण करने की बात आई ना कि मठ का नाम क्या रखेंगे, दिल्ली मठ में बात चल रही थी, गुरु महाराज जी ने अपने मुख से कहा मठ का नाम क्या रखेंगे, गुरु जी कहते हैं नाम क्या रखना मठ का, श्री वामन गोस्वामी गौड़िया मठ। ये गुरु जी ने अपने अपने मुख से ये नामकरण कर दिया। गुरु महाराज जी की भी कैसी उनके प्रति प्रीति है, कैसा उनके प्रति, नवदीप परिक्रमा में मीटिंग हो रही है एक समय, गुरु जी को भी परम गुरु जी वाइस प्रेसिडेंट बना करके गए, गुरु जी सेक्रेटरी भी हुए, सारी परिचालना गुरु महाराज जी करते थे। और गुरु जी नवदीप परिक्रमा के समय मीटिंग में सबके समक्ष क्या कहते हैं कि महाराज जी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी से, महाराज जी परम गुरु जी अर्थात शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के लिए कह रहे कि गुरुदेव के जाने के पश्चात गुरु जी कह रहे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी से, आपने मुझको आश्रय देकर के रखा है, यदि आप मुझको आश्रय नहीं देते मैं कहां जाता, आपने मुझको आश्रय देकर के रखा है। ये संबंध था, ऐसी प्रीति थी, जिन लोगों ने उनकी तिरोभाव आविर्भाव तिथि पर गुरु महाराज जी के मुख से कथा सुनी होगी पुराने लोगों ने, जब वो अप्रकट हुए विशेष करके गुरु महाराज जी गए, यहीं इसी गोवर्धन मठ में परिक्रमा चल रही थी, और गुरु महाराज जी उनकी समाधि देने के लिए गए, अगले दिन गुरु जी लौट करके आए, और गुरु जी ने ऐसे भाव विरह में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी भावपूर्ण बातें हैं, गुरु जी के निकट में कुछ समय किसी पूर्व जन्म के कारण हो ना कैसे भी हो, कुछ सौभाग्य से गुरु जी के निकट में कुछ समय रहने का अवसर मिला, हमने देखा गुरु जी की कैसी भावना थी, कुछ तो गुरु जी ने बाहर प्रकाशित कर दी अपनी हरि कथा में, किंतु भीतर में जब गुरु जी लौट करके आए देवानंद गौड़िया मठ से, गुरु महाराज जी किस प्रकार की भावना, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनको कहना भी बड़ा कठिन है, ऐसी उन लोगों के भीतर बीच में परस्पर प्रीति थी, ऐसा संबंध था, ऐसी आंतरिकता थी, ऐसा ही श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ, उनका भी ऐसा आदर्श था। वो हमारे गुरु जी से आयु में लगभग 5-6 वर्ष बड़े थे, मठ में भी लगभग 4-5 वर्ष वो गुरु जी से पहले आ गए, लेकिन अगर उनके जीवन का आदर्श सुनेंगे, वास्तव में निष्किंचन वैष्णव किसको कहते हैं वास्तव में, तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का जब जीवन देखेंगे आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वास्तव में निष्किंचन वैष्णव किसको कहते हैं। गुरु महाराज जी को मथुरा मठ में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते थे, ज्येष्ठ थे आयु में भी, और 4-5 वर्ष गुरुजी से पहले आए, और गुरुजी कहते थे ये दोनों मेरे शिक्षा गुरु थे, ये गुरुजी का आदर्श है, अपने समस्त शिष्यों के सामने गुरुजी कहते थे ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, और केवल मुख से नहीं हृदय से कहते थे, मुझको कीर्तन करना, मुझको भिक्षा करना, मुझको प्रचार में जाना, सब कुछ किसने सिखाया, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने सिखाया, मैं उन दोनों का ऋणी हूँ। हम सुन रहे थे गुरु महाराज जी की कथा, यही बात बड़े भावपूर्ण शब्दों में गुरुजी कह रहे मैं इन दोनों का ऋणी हूँ, इन दोनों ने मेरा जो पारमार्थिक उपकार किया है मैं उसका जीवन में ऋण नहीं चुका सकता, यहाँ तक भी गुरुजी ने कहा।
कि परम गुरु जी के जाने के पश्चात, इसको कहते हैं वास्तव में गुरु भ्राताओं के साथ में संबंध, इसको कहते हैं वास्तव में वैष्णव धर्म, किसको कहते हैं? गुरु जी के शब्द हैं। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में कह रहे हैं गुरु जी कि मेरे गुरुदेव अर्थात परम गुरुदेव जब अप्रकट हो गए तो गुरु जी कहते हैं मेरे गुरु जी ने कभी मुझ पर शासन नहीं किया, किंतु श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मुझसे इतनी प्रीति करते थे, इतनी प्रीति करते थे कि कभी कभी मुझ पर शासन करते थे। और गुरु जी कहते मेरे गुरुदेव के जाने के पश्चात श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने उनका एक प्रकार से मेरे गुरु जी का स्थान लिया, इतना आदर था गुरु जी का उनके लिए, गुरु जी के हृदय में। गुरु जी कहते थे मेरे गुरु जी का स्थान उन्होंने ले लिया। किस सेंस में? गुरु जी कहते थे मैं प्रचार में जाता था, ग्रंथ प्रकाशित करता था, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखता था, वो विदाउट एनी डिले बिना अपेक्षा के मेरे पत्रों का उत्तर देते थे, मुझको अत्यधिक उत्साह देते थे। ये कहते हुए श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एक बात बतलाते थे गुरु जी के विषय में बड़े भावपूर्ण हृदय से। वो कहते थे कि जब श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे अपने लिए, मैं जब परम गुरु जी के लिए कहते थे, मैं जब अपने गुरु जी से कोई प्रश्न करता था, देखिए ये है वास्तव में वैष्णव धर्म। और गुरु जी हरिकथा में कह रहे हमको भी इसको अपने जीवन में सीखना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए, इसको कहते संबंध वास्तव में, इसको कहते प्रीति। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि मैं जब अपने गुरु जी से कोई प्रश्न करता था तो गुरु जी मुझको बोल देते थे इस शास्त्र में लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, जाकर पढ़ लो। किंतु जब तुम्हारे गुरुदेव श्री नारायण महाराज जी गुरु जी से प्रश्न करते थे तो बड़े, जिसको उर्दू भाषा में कहते हैं, बड़े तसल्ली से बैठ करके बड़े आराम से परम गुरु जी के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। क्यों? श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु भाई अनंग मोहन प्रभु जी की सेवा करके, ये हम गुरु भाइयों को, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरु भाइयों को कहते थे कि अनंग मोहन प्रभु जी हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे, परम गुरु जी के सेवक, उनकी सेवा करके तुम्हारे गुरु जी ने हमारे गुरु जी के हृदय को जीत लिया था, इसलिए इतनी अधिक प्रीति करते थे, बिना किसी अन्यथा भाव के ऐसी गुरु भ्राताओं के बीच में प्रीति थी। पहले मठ में नियम था प्रतिदिन मंगल आरती के पश्चात में सभी ब्रह्मचारी ज्येष्ठ लोगों को प्रणाम करते थे, नियम था पहले मठ में। आजकल तो इतना कठिन नियमों का पालन नहीं होता। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरु जी से ज्येष्ठ थे, 4-5 वर्ष पहले मठ में आए, और केवल ज्येष्ठ नहीं थे, आयु में भी 5-6 वर्ष बड़े थे। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरु जी को जाकर के साष्टांग प्रणाम करते थे उनकी भजन कुटी के बाहर। और गुरु जी का मथुरा मठ में नीचे, जिन्होंने भजन कुटी देखी है, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखी होगी, मथुरा मठ में नीचे जो भजन कुटी है उसमें गुरु महाराज जी के जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों में छोटी छोटी खिड़कियां हैं। यदि आप लोग कभी जाएंगे, वहां पर हमारे पूज्यवा तीर्थ महाराज जी रहते हैं, तो वहां गुरु जी के वो जो भजन कुटी का दरवाजा है उसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं, देखने के लिए दरवाजा बंद रहेगा किंतु खिड़कियों से देख सकते हैं। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कभी आकर के गुरु जी की पादुका को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और गुरु जी ने खिड़की खोल करके देख लिया और गुरु जी दरवाजा खोल करके उनको ऐसे खोंचा मार कर कह रहे महाराज जी आप क्या मुझे नरक में भेजेंगे। और ये केवल औपचारिकता नहीं थी कि श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी आकर कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो पत्र लिख करके गुरु जी को प्रश्न पूछते थे कि मेरे मन में कुछ संदेह हैं, आप मेरे इन संदेहों को दूर कर दीजिए। वो पत्र भागवत पत्रिका में भी प्रकाशित हुए, अगर आप लोगों ने, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ेंगे इन सब विषयों को, भागवत पत्रिका में भी वो प्रकाशित हुए। पत्र लिखकर पूछते हैं ये चेतो दर्पण मार्जन श्लोक इत्यादि के कुछ कुछ कि मुझे संदेह है, आप मेरे इन संदेहों को दूर कर दीजिए। अब क्या ये कोई औपचारिकता, कोई फॉर्मेलिटी है? देखिए यदि वास्तव में कुछ होता उस समय श्री त्रिविक्रम, श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्य श्री संत गोस्वामी महाराज जी प्रकट थे। यदि उनको वास्तव में कोई संदेह होता वो उनके निकट में जाते जो उनके गुरु तुल्य हैं। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी प्रकट थे, वो उनसे प्रश्न करते जो उनसे ज्येष्ठ हैं। किंतु अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता के निकट में पत्र लिख करके भेजना, प्रश्न करना, इसके भीतर में क्या छुपा हुआ है? बहुत एक गंभीर संबंध छुपा हुआ है। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सब समय हमारे गुरु महाराज जी को, नवदीप परिक्रमा के समय हो, कार्तिक में हो, हम सुन रहे हैं गुरु जी की कथाएं, ऐसा उनका अद्भुत संबंध है, सुनकर के पढ़कर के ऐसा लगता है ये कोई और ही संसार है, ये कोई और ही जगत है, ये ऐसा जगत नहीं है, ये कोई और संसार है। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को हमारे गुरु जी ने सुनना, देखो कितने आनंद की बात है, कैसा उनका चरित्र था। जन्माष्टमी के अवसर पर उनको हरिकथा बोलने के लिए दिया, गुरु महाराज जी सब समय उनको पहले हरिकथा बोलने को देते थे, ज्येष्ठ थे। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी आकर बैठे और अपनी हरिकथा में ये कहा कि आज तो कृष्ण का आविर्भाव है, जन्म दिवस है, किंतु मेरे हृदय में तो कृष्ण का आविर्भाव नहीं हुआ। मेरे हृदय में, बड़ी दीनता पूर्वक उन्होंने कहा, मेरे हृदय में
कृष्ण का आविर्भाव किंचित मात्र भी नहीं हुआ, मैं बड़ा दुर्भागा हूँ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? श्री त्रिविक्रम गोस्वामी जी, मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, मेरे हृदय में तो कृष्ण का कोई आविर्भाव नहीं हुआ। आपको जो कुछ सुनना है इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। जब मेरे हृदय में ही आविर्भाव नहीं हुआ तो मैं आविर्भाव के दिन आपको क्या कहूँ। तो आप लोगों को जो सुनना है पूज्यपाद नारायण महाराज जी से सुन लीजिए। अब गुरु महाराज जी ने जब हरि कथा बोलने आरंभ की तो गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, अभी अभी आप लोगों ने महाराज जी के मुख से सुना कि ये बड़े दुर्भागे हैं। हाँ, ये बड़े दुर्भागे हैं, इनके जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं है, इनके जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं है। माया से दूर भागकर सब समय कृष्ण के निकट में रहते हैं, ऐसे दुर्भागे हैं ये। हम ऐसे दुर्भागे को प्रणाम करते हैं, हम ऐसे दुर्भागे को नमन करते हैं, ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं। ऐसा उनका एक प्रीतिपूर्ण अत्यंत गाढ़ संबंध था। वास्तव में हम ये जो सब संबंधों की परस्पर जो वार्तालाप सुन रहे हैं ना, ये क्यों होता है? इसके भीतर में एक बड़ा गंभीर सिद्धांत, बड़ा गंभीर विचार है, इसको हमको समझना है। ज्येष्ठ होने पर भी अपने से कनिष्ठ छोटे गुरु भ्राता को वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता को इस प्रकार से सम्मान देते, उनके आविर्भाव तिथि पालन करते, उनके विषय में ऐसे ऐसे शब्द कहते। जब गुरु जी विदेश प्रचार करने गए, भागवत पत्रिका में प्रकाशित हुए, ये सब तथ्य उनको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसा गुरु महाराज जी के विषय में सब कुछ लिखा। हे प्राच्य प्रतीच्य विजयी ने, आपने सारे भारत को, सारे जगत को आपने विजय कर लिया। हे केशवानुग जन, आप परम गुरु, हमारे गुरुदेव के अनुगत जन हैं। कैसे कैसे भाव प्रकाशित किए, क्यों अपने से कनिष्ठ भ्राता के प्रति उनकी ऐसी बुद्धि, ऐसे भाव है उनके, क्यों है ये? क्या केवल कोई अच्छा बहुत प्रीति है, प्रीति के कारण भी कोई सीमा तो होगी, किंतु वास्तव में इसके भीतर में जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है? हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लघुत्व में प्रतिष्ठित है। लघुत्व समझते हैं, हम लोग लघुत्व में प्रतिष्ठित है, बहुत क्षीण हृदय हमारा। दूसरे की मान प्रतिष्ठा, दूसरे की योग्यता को स्वीकार करने में बद्ध जीव का हृदय संकुचित है। हम लघुत्व में, लघु है ना, छोटे हैं, लघुत्व में प्रतिष्ठित है। किंतु ये गुरुवर्ग जो है ये गुरुत्व में प्रतिष्ठित है। किसमें प्रतिष्ठित है? गुरुत्व में। ये वास्तव में गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? भारी, भारी अर्थात जिसमें बल है, जिसमें बल है। कौन सा बल? जिसमें नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु का बल है, वो गुरुत्व में प्रतिष्ठित है। इसलिए जब वो किसी दूसरे में गुरुत्व देखते हैं ना, तो उनका हृदय संकुचित नहीं होता, उनका हृदय प्रफुल्लित होता है, और वो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, वो उनकी खुले हृदय से, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। इसलिए वैष्णवों के बीच में परस्पर व्यवहार है। बहुत सारी उनकी कथाएं हैं, बहुत सारी उनकी कथाएं। ऐसा ये सब जो तिथियों पर हमारे गुरु जी जो सब श्रवण कराया करते थे, वर्तमान समय में तो ऐसा ना रहे कि ये औपचारिकता रह जाए, केवल तिथि है, कुछ पुष्प दे दिया, कुछ पुष्पांजलि दे दी, ऐसा नहीं। इन विचारों को, इन तथ्यों को बड़े गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए, और केवल सुनना नहीं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो सुना है उसको माला पर मनन करना चाहिए, और तीसरी दशा क्या है, उसको मनन करते करते अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तब उनका कुछ आदर्श, तब उनका कुछ आचरण हमारे हृदय में कोई छाप छोड़ जाएगा। और यदि श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, एक बड़ी क्षीण सी छाप भी आ गई ना हृदय में, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। अभी हमारे प्रभु जी आए, इनके मुख से कुछ सुन लेंगे। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि आज विशेष करके शिला भक्तिविदान स्वामी महाराज जी की भी आज क्या है? विरह तिथि है। बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है। वास्तव में यदि मैं जब भी उनके विषय में कुछ सुनता हूँ, अथवा कहने का अवसर मिलता है, अथवा पढ़ने का अवसर मिलता है, मेरे हृदय में, अपने हृदय की बात बतला रहा हूँ, केवल एक ही बात आती है, उनके विषय में कहने के लिए शब्द जो है ना, किसी भी जगत का तो क्या विषय बात कहें, वो तो वैकुंठ के, वो तो गोलोक वृंदावन से आए हुए लोग हैं, उनके विषय में कहीं से भी उनकी महिमा गान करने जाओ, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। हम तो बद्ध जीव है, हम गुरुवर्गों की किस महिमा का गुणगान करेंगे? जो अपराकृत है वही अपराकृत वस्तु का गुणगान कर सकते हैं, किंतु शिला स्वामी महाराज जी, उसका एक विशेष कारण भी है। चाहे इस्कॉन का कोई आश्रित हो, चाहे कोई गौड़िया मठ का आश्रित हो, प्राय यदि आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा उपकृत ना हुआ हो। कहीं ना कहीं उनकी कृपा, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनकी कथाओं के माध्यम से, उनके प्रचार के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम सभी किसी ना किसी रूप में अवश्य ही लाभान्वित होंगे, अवश्य ही। उन महापुरुष का बड़ा अद्भुत चरित्र है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, यदि कहने जाओ तो इसमें तो घंटों घंटों चले जाएंगे, ऐसी उनकी महिमा है। किंतु एक बात बस मैं कहना चाहता हूँ, इनके जीवन से जो सीखने की बात है ना, वो तो उनका एक एक शब्द
उनका एक एक आचरण छोटे से छोटा सब कुछ सीखने योग्य शिक्षा देने के लिए है। किंतु शिला भक्तिविदान स्वामी महाराज जी उनके जीवन में जो एक और विशेषकर सारे प्रभुपाद जी के गणों के जीवन में जो एक बड़ी विशेष बात दिखलाई देती है, वो शिला प्रभुपाद जी से प्रथम बार मिले श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक बात कही है, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया ये क्या आर ना करी हो मने आशा। हम प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, प्राय सब समय करते हैं, सैकड़ों बार हमने इस कीर्तन को सुना, किंतु इसका अर्थ क्या है ये श्री स्वामी महाराज जी ने हमको बतलाया अपने जीवन में आचरण करके। वो जब प्रथम बार प्रभुपाद जी से मिले, आप समझना इस बात के गुरुत्व को, श्री प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा था, सुना होगा आप सबने, क्या कहा था, क्या कहा श्री प्रभुपाद जी ने उनको, कि आपकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, आप विदेश में जाकर के प्रचार कीजिए श्रीमद् महाप्रभु की वाणी का। कब कहा उनको, लगभग 1922 में। और ये कोई आदेश नहीं था, ये शिला प्रभुपाद जी से वो प्रथम बार मिले, प्रभुपाद जी ने उनको एक बात कह दी, आप विचार कीजिए उस बात को उन्होंने कितने गुरुत्व के साथ में अपने हृदय में रखा। सुना आप लोगों ने, एक बात कही शिला प्रभुपाद जी ने, आप अंग्रेजी भाषा में आपका बड़ा अच्छा अधिकार है, आप विदेश जाकर प्रचार कीजिए। कब कहा, 1922 में। और वो विदेश कब गए, विदेश गए वो 1965 में, 1965 में। कितने वर्ष तक, कितने वर्ष का अंतर है बीच में, कितने वर्ष का अंतर है, 30-40 वर्ष का अंतर होगा। उस 30-40 वर्ष के भीतर एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की इस बात को स्मरण ना किया हो, क्षण क्षण वो इस बात को स्मरण करते थे। और जिस दिन पहली बार सुना उस दिन से लेकर जब तक वो विदेश गए और जब तक उन्होंने मनोविष्ट को पूरा नहीं कर दिया, वो उस बात को उस एक वाक्य को गुरु मुखा पद्मा वाक्य उसको हृदय में पोषण करके उसी दिन से उन्होंने आरंभ कर दिया अपनी यात्रा को। कैसा उन्होंने संघर्ष किया, स्वयं अकेले पेपर लेकर आते, लिखते, टाइपिंग करते, प्रेस में जाते, छपवाते, और एक एक पत्रिका को, चाय की दुकान पर वो बैठ जाते, एक एक पत्रिका को बांटने के लिए लोग चाय पीने आते, हम बैठ सकते हैं चाय की दुकान पर जाकर, हम कर सकते इतना संघर्ष, उन्होंने जो संघर्ष किया, मेरे मुख से बस एक ही बात निकलती है, श्री हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पीटा। कितनी सहनशीलता हरिदास ठाकुर जी की, अद्भुत सहनशीलता। किंतु उनके विषय में जब सुनते मन में यही बात आती है कि सहनशीलता की कोई तो सीमा होगी, कोई सीमा, किंतु ये महापुरुष सहनशीलता की सारी सीमाओं को लांघ गए, सारी सीमाओं को। कितना सहनशीलता थी इनके भीतर, 30-40 वर्ष तक संघर्ष करते रहे प्रभुपाद जी के एक आदेश को पूरा करने के लिए, कि मेरे गुरुदेव ने मुझे एक आदेश दिया था। कितना गुरुत्व था प्रभुपाद जी की एक बात का। और जब विदेश भी गए, हम कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों ने सुना होगा उन्होंने कैसा संघर्ष किया विदेश जाके। प्रथम 2 वर्ष तो विदेश में उनके ऐसे रहे, उनके पास खाने का भोजन नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थे, वो वस्त्र के लिए भारत में अपने गुरु भाइयों के साथ संपर्क करते थे, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते थे जो नशा करता था, एक लड़का, एक हॉल में रहते थे, ऐसी उनकी अवस्था थी, एक हॉल में रहते थे, हरी कथा कहते थे 1 सप्ताह में 3 दिन, और उस लड़के के साथ में रहते थे, उसका नाम था डेविड, वो कुछ नशा करता था, बाथरूम में पूरा बाथरूम गंदा करके छोड़ाता था, श्री स्वामी महाराज जी बाथरूम साफ किया करते, बाथरूम में साबुन छोड़ाता, वो वृद्धावस्था में थे, वो उसको रिक्वेस्ट करते बार बार साबुन मत छोड़ो कहीं गिर जाऊंगा, मन में विचार आता, जब भी वो मुक्त महापुरुष है किंतु नर्वत लीला के अनुसार मन में विचार करते कहीं गिर गए चोट लग गई क्या होगा। एक दिन वो नशा करके आया, उनकी अवस्था को समझना पड़ेगा, एक दिन नशा करके आया, बहुत अपशब्द कहे उनसे, बहुत अपशब्द, बहुत कुछ भला बुरा कहा। किनको कह रहे हैं, जिनके विषय में कह रहे हैं, वो अत्यंत धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, बड़े संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ, बड़ी सुख सुविधाओं में वो रहे, और जिस अवस्था में वो वृंदावन गए, वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे, उनकी हरि कथा सुनने आते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको भारत के राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए खुला निमंत्रण प्राप्त था, उनके पास पत्र थे, वो कभी भी जाके सीधे मिल सकते थे। इतने विशिष्ट व्यक्ति को विदेश में जाकर के एक बच्चा अपशब्द कह रहा है, वो उठे चुपचाप, चौथे फ्लोर पर रहते थे, सीढ़ियां नीचे उतर के आ गए, और उन्होंने स्वयं लिखा इस बात को, जब मैं नीचे आ गया मुझे ये नहीं पता था मुझको दाएं जाना है, मुझको ये नहीं पता था मुझको बाएं जाना है, मुझको ये नहीं पता था आज रात मैं कहाँ रहूंगा, मुझको ये नहीं पता था मुझे आज रात का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनकी अवस्था थी। उनकी कथा में एक व्यक्ति आता था कार्ल, उन्होंने उसको फोन किया, उन्होंने तुरंत आए, उनके लिए कुछ व्यवस्था की, उसके पश्चात वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इतना संघर्ष उन्होंने किया, इतना संघर्ष, एक एक उनके जीवन के, प्रभुपाद जी ने कहा था राधा कुंड के तट पर एक बात कही, एक ये बात थी, एक राधा कुंड के तट पर बात कही, प्रभुपाद जी से मिलने वो आए कभी,
यदि तुमको कभी धन मिले तो तुम पुस्तकें छापना। उस एक बात को उन्होंने अपने जीवन में इतना गुरुत्व तो दिया, इतना गुरुत्व तो हम कल्पना नहीं कर सकते। जब उनके पास बिल्कुल धन नहीं था तब से लेकर के जब बहुत कुछ धन हो गया, दोनों अवस्थाओं में कैसे वो समदर्शी होकर प्रभुपाद जी के ही मिशन को लेकर के वो चले और सारे जगत में उन्होंने प्रभुपाद जी के कैसे मनोविष्ट को स्थापित किया। एक एक उनके जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण उनके जीवन का जो रहा है ना, इतना अद्भुत, इतना प्रेरणादायी, इतना प्रेरणादायी, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसा उन्होंने संघर्ष किया। एक किराए के स्थान पर वो गए रहने के लिए, उनके पास किराया ही नहीं था, उनको ये नहीं पता था मैं अगले महीने का किराया दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। कैसे वो प्रभुपाद जी के ऊपर, भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में आश्रित थे। इसलिए आज उनकी तिरोभाव तिथि है, उनके विषय में कहने को बहुत कुछ है। बस उन सब महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना है, जीवन में ये कुछ आदर्श का छीटा कूटा यदि हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कल भी हमारे रूपानु गुरुवर की आविर्भाव तिथि है, हम लोग कल भी उनके विषय में सुनेंगे। अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी कुछ आप लोगों को, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदान शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद नित्यल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति विदान शील स्वामी महाराज जी जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी ऐतोगी कृपा की मांचा करता हूँ। पूज्य पाद शील भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी, संजय प्रभु, अनस अमर जितने भी भक्तवृंद हैं सबके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। शीला ऐसी भक्ति विदान शील स्वामी महाराज जी, हमारे शीला वामन गोस्वामी महाराज जी एक बात बोलते थे कि जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णवों को जब हम उनकी महिमा गान करते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी महिमा है, उनकी सबसे बड़ी महिमा है उनकी गुरु निष्ठा। उनके जितने भी गुण हैं वैष्णवों के, वो सारे के सारे गुण गुरु निष्ठा के पीछे चलते हैं। जो सबसे बड़ा गुण है वो है उनके अंदर गुरु निष्ठा। और देखने को मिलता है कि कैसी उनके अंदर गुरु निष्ठा थी। जैसे अभी संजय प्रभु बता रहे थे कि उनको उनके गुरुदेव शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया, उसके लिए शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, इट टुक मी वन लाइफ टू फुलफिल माई वन ऑर्डर ऑफ गुरुदेव, कि मेरे को एक जीवन लग गया अपने गुरु के एक आदेश का पालन करने के लिए, केवल एक आदेश का। तो कैसे उन्होंने अपने जो गुरुदेव से शब्द सुना उसको कितना गुरुत्व दिया। शीला भक्ति विदान स्वामी महाराज जी जब विदेश गए थे वो चार प्रिंसिपल लेके आए थे। कौन से चार प्रिंसिपल थे? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन। अकेले वृद्ध व्यक्ति हैं, कहाँ पे गए हैं? अमेरिका। अमेरिका कैसा स्थान है? पूरा भोगों का अड्डा है, चारों तरफ भोग ही भोग है। एक अकेला वृद्ध व्यक्ति वहाँ पे खड़े होके उस सोसाइटी को ये बोलने के लिए गया, ये चार चीज़ें मत करो, और पूरी सोसाइटी क्या कर रही है? स्वामी महाराज जी बोलते हैं, जब मैं जिस चीज़ का प्रचार करने के लिए गया, जो चीज़ नहीं करनी, वहाँ पे करोड़ों लोग बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगा के बैठे हैं, इलिसिट सेक्स के, मीट ईटिंग के, गंदे गंदे क्लब्स हैं, और चारों तरफ यही हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रही है। और वो वहां पे अकेले खड़े होके अपने गुरुदेव का आदेश लेके गया है कि नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना। तो उनको अपने गुरुदेव में कैसी निष्ठा है। और जब गए थे तो उनके पास कोई पैसा भी नहीं है। कितने रुपए लेके गए थे? 40 रुपए लेके गए थे। इसलिए वैष्णवों का एक गुण होता है कि कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना, रक्षिष्यत इति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे, उनका कैसा विश्वास था। और ऐसा ही देखने को मिलता है कि कैसे जब गुरुदेव आदेश देते हैं तो कैसे सारी चीज़ें अपने आप होती रहती है। जब शीला स्वामी महाराज जी, उन्होंने जब पूरे विश्व में प्रचार करना था, अगर उनकी ग्रंथ पढ़ा जाए प्रभुपाद लीला अमृत जो सत्स्वरूप महाराज जी ने लिखा है, वो बहुत अद्भुत ग्रंथ है। उसको पढ़ने के बाद एक व्यक्ति के अंदर 100 वॉट का ऐसा पूरा करंट आ जाता है कि बस अभी जाके मैं भी प्रचार करूँगा। इसलिए आप देखना जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक बहुत जोश है, उत्साह। उन्होंने दिल्ली आए, अब दिल्ली आए तो दिल्ली से ट्रेन से जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा क्या हमारे दिल्ली में प्रीचिंग है, क्योंकि उस समय 1972 में उनकी बहुत सारी जगहों पे उनके सेंटर्स खुल गए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके शिष्य उनको प्रेम से प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद नहीं वहाँ पे तो दिल्ली में हमारी प्रीचिंग नहीं है। तो ट्रेन से उतार दिया, चलती ट्रेन से, कह रहे तुम इधर उतर जाओ, यहाँ पे प्रचार करो। कुछ दिया भी नहीं, अपने शिष्य को उतार दिया कि यहाँ पे प्रचार करो।
एक दिन अपने शिष्य से पूछे, क्या हमारा पूरे विश्व में इतने सारे हमारा प्रचार हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में हमारा प्रचार हुआ? नहीं, हमारा पाकिस्तान में तो प्रचार नहीं हुआ। अपने एक शिष्य को भेज दिया, ब्रह्मानंद स्वामी होते थे, कि तुम जाओ पाकिस्तान वहां पे जाके प्रचार करो। कब? जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, 72 की बात है। तो कैसे एक वो किसी को भेज दिया रशिया, रशिया में उन्होंने कैसे प्रीचिंग करी, वो बहुत अद्भुत है। रशिया में जब वो गए, उस समय वहां पे कम्युनिस्ट कंट्रियां प्रचार नहीं कर सकते। अपनी एक उनकी कोई शिष्या थी जो नॉन रशियन थी, उसको किसी रशियन लड़के से शादी करा दी और उसको दोनों को भक्त बना दिया, बोले तुम यहीं पे रह के प्रचार करो। तो कैसे उन्होंने महाप्रभु के मिशन को पूरे जगत के अंदर फैलाया, वो बहुत अद्भुत है। कैसे, जैसे हमारे जो एक नियम होता है, जब कोई संन्यास ले लेता है, संन्यास लेने के बाद आप 7 समुद्र पार नहीं जा सकते, आप ओशन क्रॉस ही नहीं कर सकते, सन्यासी कभी शादी में नहीं जा सकता। इसलिए आप देखना, हमारे जो महाराज है ब्रह्मचारी, उनको इन्विटेशन आते हैं, वो कभी शादी में नहीं जाते, वो शादी में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस कारण से नहीं जा सकते कि अगर ब्रह्मचारी शादी में जाएगा, वो फ्री घूमता है, अब दूल्हे ने देख लिया भाई ये तो पूरा मस्त घूम रहा है, उसका मन चेंज हो गया तो, और उल्टा भी हो सकता है, वो देखे भाई इसकी तो शादी हो रही है, सब इसको दूल्हे राजा कर रहे हैं, तो मन में विकार आ जाए, इसलिए जा नहीं सकते शादी में। लेकिन आप देखो उन्होंने कैसे अपने शिष्यों की शादी कराई है, खुद हरिनाम दिया, दीक्षाएं दी और उनकी वैदिक मैरिज कराई, विदेश में गए और विदेश में जाके उन्होंने किस प्रकार से इतने सुचारू रूप से इतनी बड़ी एक संस्था को उन्होंने खड़े कर दिया अकेले। और जब शीला स्वामी महाराज जी, ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब वो इतना प्रचार कर रहे थे, उस समय उनको हर जगह से क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा था, हर जगह से उनको क्रिटिसिज्म ही ज्यादा आ रहा था, उनको पॉजिटिवनेस बहुत कम लोगों से मिली। अगर देखा जाए हमारे गौड़ीय मठ से भी, जो मूल मठ था, वहां से भी उनको क्रिटिसिज्म ही मिला। और जब उनके विदेशी लोग शिष्य यहाँ पे आए, तो कैसे यहाँ के जो वृंदावन के जो मंदिर है, वृंदावन के जो जो सातों मंदिर है, उन्होंने तो विदेशियों को कितना कुछ बोला, उन्होंने ये तक बोला जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए, स्वामी महाराज जी उनका भंडारा खाने नहीं जाएंगे, मतलब उनको हर जगह से कितना क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है। उनके शिष्यों को भी जो मायावादी लोग हैं, उन्होंने कितना कुछ बोला, ये मलेच्छ लोग हमें क्या सिखाएंगे। लेकिन उनको जितना भी क्रिटिसिज्म मिलता था, उनके शिष्य बहुत निरुत्साहित हो जाते थे और आके बोलते थे कि लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक ही चीज बोलते थे, दो शब्द बोलते थे, इग्नोर देम, बस क्या, उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और कैसे उन्होंने करके दिखाया, उनको इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी सबको इग्नोर करते रहे और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अगर आप उनके एक एक सेंटर का इतिहास देखोगे, एक एक सेंटर का ऐसा इतिहास है कि जितने भी सेंटर खड़े हुए ना, पहले महाभारत युद्ध हुआ है, आप देखो जो उनका मायापुर सेंटर है, कितने गुंडे बदमाश थे वहां पे, उनका वहां पे रहना तक बिल्कुल वो हो गया था कि इनको अभी यहाँ से पूरा भगा देंगे। लेकिन वहां पे उन्होंने कैसे अकेले खड़े, उनको इग्नोर किया और इतना बड़ा मंदिर आज देखो वहां पे जाके, मायापुर क्या पूरा नक्शा बदल दिया। बीच में डाकू लोगों ने आक्रमण किया था और एक पैर कट गया, पूरा पैर कट गया, दोनों तरफ से बहुत उन्होंने गोलाबारी चली, मतलब इतनी लड़ाइयाँ हुई है। वृंदावन का जो मैनेजर था, उसको किसी ने आगे सुबह सुबह गोली मार दी ऑन द स्पॉट, जयराम जी की इतनी लड़ाइयाँ हुई है वृंदावन में भी, जो मंदिर बना है, जो मुंबई का बना है, उसके तो कितने कोर्ट केस हुए, कितना लंबा कोर्ट केस चला, इतनी लंबी लड़ाइयाँ हुई है। अगर आप उनके इतिहास पढ़ने जाओगे ना, उनके कई शिष्यों ने मुंबई में जो सेंटर बना है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी, उसके ऊपर जो बुक लिखी वो 600 पेजेस की बुक है, 600 पेजेस की, कि वहां पे लड़ाइयाँ कैसी हुई है उसके ऊपर, कि कितना उन्होंने संघर्ष कर करके उन्होंने इतने मंदिर बनाए हैं। लेकिन देखो तब भी वो कभी पीछे नहीं मुड़े और उन्होंने अपने हर शिष्यों को इतना उत्साह दिया, इतना उत्साह दिया। एक बारी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उस प्रोग्राम में पूरा हॉल खाली रह गया, कोई आया ही नहीं। जब कोई भी नहीं आया तो सारे जो डिवोटीज थे बड़े निरुत्साहित हुए कि प्रभुपाद जी हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और कोई आया ही नहीं, इतने पैसे भी खर्च हुए। तो प्रभुपाद जी ने उनको कैसे उत्साह दिया, साथ साथ क्या कह रहे हो, पूरा हॉल तो फुल था, मैंने खुद देखा, 33 कोटी देवी देवता बैठे थे, तुमने नहीं देखा तो मैं क्या करूं। तो कैसे अपने शिष्यों को हर छोटी छोटी बात में उत्साह देते थे, हर छोटी छोटी बात में। एक बारी उनका कोई शिष्य था, उसने एक पेंटिंग बनाई, उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें क्या था कि राधा जी इधर से भागती हुई आ रही है, कृष्ण इधर से भागते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ में माला डालेंगे, जैसे होता है ना माला डालेंगे, लेकिन वो पोज राधा जी का कृष्ण के प्रति नहीं था, किसी और ऐसे साइड जा रहा था। तो उन्होंने बोला अपने शिष्य को, ये तुमने क्या पेंटिंग बना दी, ये तो ऐसे लग रहा है कि उनका कोई और बॉयफ्रेंड है, वो उधर जा रही है। तो वो एकदम निरुत्साहित हो गया, तो बोले नहीं 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 नहीं, वो पता है कहाँ पे आ रही है, तुम्हें माला देने आ रही है कि तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तुम इतने इतना अच्छी सेवा करी है। तो उनकी हर बातों में अगर आप देखोगे ना, अपने शिष्यों को बहुत उत्साह देते थे और उनकी टीचिंग्स एक इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है।
अगर मैं पहले जैन धर्म पढ़ता भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो मैं शायद पहले बनने के बाद ही उसको बंद कर देता और कभी जीवन मुड़ के ना देखता। शायद आप लोग भी ऐसे ही समझते होंगे। हमारे जो गौड़िया ग्रंथ है कितने कितने हाई कोटि के हैं। क्या हम कभी गीता पढ़ सकते थे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमें क्या मतलब भाई धर्म क्षेत्र में क्या हुआ, हमें क्या मतलब कुरुक्षेत्र से। लेकिन उन्होंने देखो हम सब लोगों को भक्ति में लेके आने के लिए उनकी जो राइटिंग है, इसलिए उन्होंने बोला कि जो मेरी बुक्स है वो आने वाले 10,000 साल तक क्या रहेंगी, वो लॉ बुक्स रहेंगी। और कैसी उनके बुक्स को पढ़ के सबका जीवन परिवर्तन हुआ है उनकी। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे जितने गौड़िया मठ में जितने भी लोग गुरुजी के पास आए, गुरुजी एक बात बोलते थे, जैसे भी संजय प्रभु ने बोला कि हम सब लोग उनके हमेशा आभारी रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनकी उनका कृतज्ञ हम रहेंगे ही रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अवश्य है। कैसे गुरुजी बोलते थे कि अगर वो नहीं आए होते तो आज मैं भी विदेश में जाके प्रचार नहीं करता। तो कैसे अगर आज हम गुरुदेव के पास अगर हम आज हम गौड़िया मठ में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी देन है। यहाँ तक कि अगर आज वो नहीं आए होते, मेरे को लगता है कोई महाप्रभु को भी ना जानता। उत्तर भारत में तो किसी को पता ही नहीं होता महाप्रभु कौन है। तो आज उनकी कितनी बड़ी देन है, उनकी बुक्स। कितने सारे लोग हैं जिनका जीवन परिवर्तन हो गया उनके ग्रंथों को पढ़ के। हमारे दिल्ली के जो रोहिणी नंदन प्रभु जी हैं, वो तो सुसाइड करने वाले थे, लेकिन उनके मन में आया कि नहीं एक किताब पढ़ लेता हूँ। उनके पास एक विदेशी भक्त किताब देखे गया था, कौन सी, ऑन द वे टू कृष्णा। तो ऑन द वे टू कृष्णा उन्होंने अपनी कबाड़ी में से निकाली, जब उसको पढ़ी, उसको पढ़ के सीधा चले गए इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश और वहां से सारे ग्रंथ लेके आए, पढ़ना शुरू किया। हमारे माधव पी प्रभु जी आप सब लोग तो जानते होंगे, वो IIT में पढ़ते थे मुंबई में। तो एक दिन बीच में घूमने गए थे तो वहां पे एक विदेशी जबरदस्ती बुक बेच रहा है, उसने बोला 10 किया 5 रुपए दे दो। बोले मेरे को 5 रुपए नहीं देने। अच्छा आप 2 रुपए दे दो। बोले भाई मुझे खरीदनी नहीं, क्यों 2 रुपए दे दूं, फ्री में देके चला गया। अब फ्री में देके चला गया, माधव प्री प्रभु जी ऐसे थे जब IIT में पढ़ते थे उससे पहले कभी मंदिर जीवन में गए नहीं। अब उस बुक को उन्होंने अपने पास रख लिया, क्यों, क्योंकि बाहर कृष्णा की फोटो बनी है, ऐसे फेंक तो सकते नहीं है। और उसके बाद जब पूरा साल खत्म हो गया IIT से, जब घर पे आएंगे एक साल बाद 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो सोचा कि चलो भाई अब तो सारा सामान पैक कर दिया, किताब रह गई है, इसको ट्रेन में छोड़ दूंगा, कोई ना कोई पढ़ लेगा। तो ट्रेन में उसको अपने साथ रख लिया, पढ़ने के लिए नहीं कि थोड़ा पढ़ के वहीं रख दूंगा। उसको पढ़ने का उनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि वापस जब वापस आया IIT अपना, तो सीधा गए इस्कॉन टेम्पल और वहां से सारे ग्रंथ लेके पढ़ना शुरू किया। और आप देखो कितने अच्छे भक्त हैं हमारे माधव पी प्रभु जी। तो कितने सारे भक्त लोग हैं जो उनके ग्रंथों को पढ़ के आए। आप लोगों ने सुना होगा एक बार एक व्यक्ति वो एक होटल में गया और उसने वहां पे सुसाइड करना था। सुसाइड करने के लिए उसने पूरे रस्सी वस्सी सब लटका दी, खड़ा भी हो गया। जैसी लटकाने वाला था रस्सी, उसके नीचे एक डस्टबिन के पास उसकी नजर गई, वहां पे भगवत गीता पड़ी थी। उसने कहा चलो एक बारी इसको देख लो, तो बड़ी अच्छी बुक है, क्योंकि बाहर पेंटिंग बहुत अच्छी थी। उसको जब उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद सुसाइड कैंसिल और भक्त बन गया। तो कैसे उनकी इसने और एक बार कथा सुनाए थे, एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतर रहा था, उतरते समय गीता जयंती था, लोग कुछ गीता बेच रहे थे, गीता बेच रहे थे, तो उसने वो लाइन में खड़ी हुए थे करके, बोले भैया गीता है क्या, गीता भी लेकिन, और बोले गीता क्या लेंगे। उसने देखा भाई 8-10 लोग, बोले एक दो डॉलर से गीता ले लेते। उसने गीता लिया, ले आया, ला कर उसने तो बेकार चीज़ कोई काम करी, उसने ड्रग रह गया। एक दिन वो इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में वो सुइसाइड करने जा रहा था। आज जिस ड्रग में उसका बंदूक रखा हुआ था ना, उसी ड्रग में था गीता। अब उसने पकड़ने के लिए आ गया बंदूक, वो बंदूक नहीं पकड़ करके आ गया गीता। जब गीता आ गया उसको पहला पेज वो खोला, पहला पेज वो खुला तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन हम शरीर नहीं हम आत्मा है, अगर तो सुख पाना चाहते हो हम क्या करते हैं, जैसे एक पिंजरा में जैसे तोता है, अगर पिंजरा को अगर पेट करते रहो तोता खाना नहीं खिला वो क्या हुआ, वो तोता तो मर जाएगा। उसी तरह हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम दिन रात हम शरीर के लिए करते हैं। जब कृष्ण समझा रहा था ये शरीर एक कपड़ा, उसको तो नया चीज मिला, कभी सोचा नहीं इस विषय। रात भर उसने गीता पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था 8 डेज को सुइसाइड करना छोड़ दिया, उसको माने एक नया दुनिया की कोई चीज मिली। उसने सोचा भैया आया था, उसका फोन नंबर लिखा हुआ था, इसको फोन किया, फोन करके आया और साधु को सब करते करते अभी वो सन्यासी, अभी सारा दुनिया में गीता प्रचार कर रहा है। मतलब मरने के लिए जो जा रहा था सुइसाइड बंदूक मारने के लिए, लेकिन गीता का एक श्लोक उसका जीवन, मतलब इनका ग्रंथ ऐसे ऐसे काम किया इनका ग्रंथ, उनके ग्रंथों में विशेष शक्ति और आज तक देखने को मिलता है। एक बारी ये जो रशिया में एक हुआ था ना, केस हुआ था उनकी, जब रशिया में बहुत प्रचार होने लगा, केस हुआ था कि इनकी जो बुक्स है इनको रशिया से बैन कर देना चाहिए। तो जो जज था, जज के पास जब डिसीजन लेगा, उसने कहा पहले इनकी बुक पढ़ के तो देखो कि बैन करना या नहीं करना। जब जज ने बुक पढ़ी, जज खुद भक्त बन गया और तिलक लगा के डिसीजन दिया, नहीं नहीं इनकी बुक्स को बैन नहीं करना। तो उन्होंने
इतना साधारण रूप से जो गौड़ीय धारा को समझाया है, इतनी साधारण रूप से, कितना सिंपल, कितनी सिंपली समझा दिया कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कितना सिंपल समझा दिया उसके बाद। और अगर उनकी शिक्षा देखो, उनकी जो पुरानी ऑडियोज है, जो वीडियोज है, कितना सिंपल समझाते हैं, कितना सिंपल, इतनी सिंपल एनोलॉजी देते हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस पुरानी देखी हो, अपने शिष्य को जैसे बिल्कुल ABCD होती है ना, बिल्कुल वैसे समझाते हैं कि हाँ, दिस वी आर चेंजिंग बॉडीज, दिस इज द, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख क्या है, वी आर चेंजिंग बॉडीज, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा चेंजिंग बॉडीज रुक जाए। कितना सिंपल सिंपल समझाते हैं, बहुत सिंपल। जैसे एक बारी किसी ने उनसे पूछा कि प्रीचिंग कैसे करनी है, प्रीचिंग कैसे करनी है, तो उन्होंने बोला कि प्रीचिंग कैसे करनी है, तो एक छोटी सी लड़की थी उनके कथा में बैठी थी, उसने उस लड़की से पूछा, छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, हु इज कृष्णा, तो उसने बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो स्वामी महाराज जी बोले सिंपल, यही तो प्रीचिंग है कि क्या करना है, जो उसने मेरे से सुना, अभी उसने मेरे से कथा सुनी, क्या सुना, कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब जब मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो बोल रही है कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तुमने यही करना है। विदेशी ने क्या किया, बस हमने यही बोलना है ना, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ चलो, तुम रशिया जाओ, तुम यूक्रेन जाओ, तुम अफगानिस्तान जाओ, तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, और हर जगह जाके बस ये बोलना कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कैसे उन्होंने उनसे जो जो सुना उसी को जाके सिंपल मैसेज दिया, और कितने सारे लोग भक्त बन गए। और उनकी एक विशेष वो था हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे उनको यद्यपि फिलोसफी तो दिया, लेकिन इतना नहीं दिया जितना एक, ये भी नहीं कह सकते जितना देर, क्योंकि उनके पास समय का अभाव था, समय के भाव के अनुसार उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा था कि उन्होंने जो उनको हरे कृष्ण महामंत्र में उनकी निष्ठा रख दी। किसी ने शिला स्वामी महाराज जी से पूछा था कि आपने 108 मंदिर बना दिए और अब आप वृद्ध अवस्था है, कभी भी आप इस जगत से जा सकते हो, लेकिन आपके जाने के बाद ये 108 मंदिर चलेंगे कैसे? तो स्वामी महाराज जी ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया कि मैं इनको एक बहुत बड़ा रत्न देके गया हूँ। वो रत्न क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक मेरे जितने ये टेम्पल्स हैं यहाँ पे, जब तक ये लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे, मेरे ये मंदिर 2 गुना 4 गुना 6 गुना बढ़ते रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने महामंत्र करना बंद कर दिया, उस दिन सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आज आप देखो, वो 108 मंदिर बना के गए थे और आज उनके 600 मंदिर है। क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कारण से, क्योंकि, और उनकी एक विशेष, उनके जितने भी शिष्य थे उनके अंदर अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा बहुत थी। क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग भारतीय हैं और हम लोगों के लिए गुरु कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, सबके गुरु होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन उन विदेशियों के लिए गुरु बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और कैसे गुरु को प्रणाम करते हैं, कैसे स्वामी महाराज ने उनको बेसिक चीजें सिखाई है। अगर आप देखोगे एक गुरु की आरती कैसे करते हैं, उन्होंने अपने शिष्य को व्यास आसन में बिठाया और अपने शिष्य की आरती उतार रहे हैं, फिर अपने शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे एक हम गुरु पूजा करते हैं ना, उन्होंने पहले अपने शिष्य की करी और अपने शिष्य को करके दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हें ऐसे गुरु पूजा करनी है, फिर खुद आसन पे बैठ के और फिर अपने शिष्यों से गुरु पूजा करा रहे हैं। उन्होंने उन विदेशी लोगों को जो भक्ति में लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा दान है। उनको यही नहीं पता कृष्ण कौन होते हैं, राम कौन होते हैं। एक बारी एक उनके शिष्य थे, जब वृंदावन में वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे अपने विदेशी शिष्यों को लेके, अब वो तिलक कैसे करते थे, हम लोग गोपी चंदन लेके ऐसे रगड़ते हैं ना, वो उनके शिष्य थूक फेंकेंगे और फिर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और फिर तिलक करेंगे, उनको कुछ आता ही नहीं। तो एक उनके गुरु भाई ने देख लिया, शीला भारती महाराज जी के गुरु भ्राता ने देख लिया और एकदम से उनको कुछ बोलना चाह, तो अंदर महाराज जी विश्राम कर रहे थे, तो अंदर से आवाज आई, कुछ नहीं होता, इसने भी इतना तो सीख लिया ना तिलक करना है, तो ये भी सीख जाएगा कि आचमन कब से करना है, ऐसे नहीं करना, इतना तो सीखा। तो कैसे उन्होंने अपने एक एक शिष्य का एक एक चीज सहन करी है, एक ये सहन करना बहुत बड़ी चीज होती है। और उन्होंने बेसिक से सिखाया है, जब उनके कमरे में बल्ब खराब हो गया, उन्होंने बोला कि बल्ब खराब हो गया, ठीक कर दो। अब वो शिष्य क्या कर रहे हैं, वो भागवतम के डब्बे पड़े हैं, भागवतम के 2-3-4 डब्बे रख दिए, उसके ऊपर खड़े होकर बल्ब ठीक कर रहा है। क्या कभी हम भारतीय संस्कृति वाले लोग सोच सकते हैं कि भागवत के ऊपर, भागवत छोड़ो साधारण ग्रंथ के ऊपर ही पैर नहीं रखते? लेकिन उनके संस्कार ही नहीं है। लेकिन तब भी उन्होंने कैसे उनको सिखाया, जब वृंदावन में गए मंदिरों में, तो वृंदावन के जब मंदिरों में गए तो बोला कि अंदर जूते लेके जाना अलाउड नहीं है, विदेशियों ने जूते गले में लटका लिए, ऐसे होते ना वो नेल्स बांध के और मंदिर में घुस गए, क्यों? क्योंकि जूते पहन के जाना अलाउड नहीं है। तो एक एक चीज देखो कितना सहन कर रहे हैं। वो जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथपुरी में बोला कि आप मंदिर के अंदर जा नहीं सकते,
अच्छा जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते, कुछ नहीं होता, मैं जगन्नाथ जी को बाहर लेके आऊंगा, पूरे विश्व में लेके जाऊंगा। उसी दिन से उन्होंने बोला कि मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालूंगा। और ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हर साल रथ यात्रा नहीं होती? आज बताओ, हर साल रथ यात्रा होती है, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ पे रथ यात्रा नहीं होती। उनका कितना उत्साह था, उनका अगर उत्साह देखे, उनके उत्साह को देखने का मन करता है कि हम भी भाग के संन्यास ले लें और हम भी कुछ करें। बहुत उत्साह था, लेकिन कुछ नहीं होता, लेंगे नहीं, टेंशन मत लो, बाहर निकलती उत्साह कम हो जाएगा, मुझे पता है। तो लेकिन सच्ची में उनके ग्रंथ को अगर पढ़ोगे, उनका जो उत्साह है ना, इनको जो उत्साह है ना, अपना मंदिर में केवल एक व्यक्ति में हमें वो उत्साह देखता है, जानते हो कौन? ये सुंदर गोपाल। नहीं, ये मैं सही बता रहा हूँ, ये गुरुदेव का ज्यादा पुराना शिष्य नहीं, नया शिष्य है, लेकिन इसने इतने उत्साह में आ करके, भैया मैंने जहाँ पर एक मंदिर नहीं बना पाया इतना दिन प्रचार करके, उन्होंने एक जयपुर में मंदिर खोल करके अभी वहां पर ठाकुर का स्थापन करते हुए, और वहां पर कॉलेज में जा करके इतने बच्चों को जोड़ दिया, इतने बच्चों को देखो, ये बच्चे को देखो, और बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए यंग यंग, उसने जैसे स्वामी महाराज युद्ध प्रचार किया ना, इन्होंने भी ठीक ऐसे ही। और हमारे मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी लोग है, जैसे जनार्दन प्रभु जी है, और जैसे ये बड़ौत मंदिर को संभाल रहे, बड़ौत मंदिर को संभाल रहे, और ये हीरो को देखो, ये अनिरुद्ध है और गजेंद्र, आप दोनों को जानते होंगे, ये दोनों बच्चों को जोड़ने वाले यही है। इसने उन्होंने सेमिनार में जो सेमिनार डज गट एग्जिस्ट हुआ माई सर्च फॉर हैप्पीनेस, इन्होंने आ करके उन्होंने नोएडा में एक क्लास दिया, कब? जन्माष्टमी में दिया। उसी क्लास में इन्होंने हर पार्क में जाकर पापलेट, आप लोगों को उत्साह दे रहा हूँ, आप भी ऐसे करना। उन्होंने जाकर के हर पार्क में पापलेट बंटवाया, इतने उत्साह में आश्चर्य हो गया। और उसने किया तो बहुत सारे बच्चे जुड़े, और बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, लेकिन ये जो दो बच्चे जो निकले हीरो के, मतलब पूरा किसका क्या बताए, ये टुकड़े जैसे इंडिया के टुकड़े, ये दोनों बच्चे निकले सही। ये दोनों बच्चे अभी इतने प्रचार कर रहे हैं, अभी उनसे सीख करके, जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा, उससे सीख करके अभी शुरुआत किया है। बहुत जल्दी मंदिर भी आने वाले हैं, देखा इसको अंदर में ना, मैंने देखा इसको अंदर में सचमुच किसी बच्चे को ना डायरेक्ट तीर मारते हैं, ऐसे नहीं, हम जैसे मेरे अंदर भी इतना हिम्मत नहीं होता है, घर छोड़ो, क्योंकि ये पिता माता का एक बेटा था, इसने सब छोड़ करके अभी भी इसके पिता माता कहते हैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ तो जिसे शादी करना तो शादी कर ले। इसको एक बेटा था ना, 2 बहनें हैं, एक बेटा है, अभी भी इसको पिता, लेकिन उन्होंने इतने दृढ़तापूर्वक आकर के इतने बच्चों को उसने छोड़ा, मैं तो देखते कर भैया मैं इतना दिन में ये नहीं कर पाए जो ये काम को किया सचमुच से। इसलिए हमारे अंदर में ना इसका जैसे उत्साह आ जाए ना, सचमुच से स्वामी महाराज का उत्साह है ना, हमारी सोसाइटी में केवल ये एक बच्चे को अंदर में दिखता है जो ईद प्रचार में ये इतने हो ना आगे है इतना। इसलिए उड़ीसा में भी बच्चों को वहाँ इस कॉलेज में जा करके, उन्होंने उड़ीसा में भी हर साल उन्होंने मंदिर में सेमिनार रखता था, वहाँ से जो बच्चे लोग निकले ना, जो उड़ीसा के जो बच्चे लोग निकले, इसके सेमिनार से निकले। अभी जो दूसरे दूसरे जो मंदिर में इसका सेमिनार से, मतलब इन्होंने मेरे गुरुदेव एक व्यक्ति को सन्यासी दिया, वो इतना लिखा पढ़ा नहीं था, तो किसने कहा इनको सन्यासी क्यों दे रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने कहा देखो जब ठाकुर की चरण में कोई फूल चढ़ाते हो ना तो 3 घंटा बाद में मुरझा जाती है, लेकिन वो महाराज जी भिक्षा के लिए जाते थे, कुछ कुछ बच्चों को कथा सुना करके मंदिर में आए। मेरे गुरुदेव कहते थे तो जीवंत पुष्पों को लेकर के आए, जो फूल का जो मुरझाएगा नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन वो खिलते खिलते जाएगा, इसलिए मैंने सन्यासी दिया इनको, गुरुदेव खुश होकर के। इसलिए मैं सचमुच से इसने इसका अंदर में जो उत्साह है, भैया मैं तो किसको अंदर में इतने उत्साह नहीं देखता हूँ, किसी को अंदर में मैं ये उत्साह नहीं देखता हूँ। उसने बताया जो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं 1 महीना के लिए 7 दिन के लिए करो, केवल मेरे को बोल दिया हम करेंगे, बस उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब भगवान इसने शुरू कर दिया। उसमें 250 लोग आए थे, अलग अलग जगह से, एकदम नई नई लोग, हैदराबाद, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ से लोग आए, और साथ 8 दिन में उन्होंने पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा। और उस समय मैं देख रहा था वो इतने परिश्रम कर रहा था ना, मैं भी थक रहा था, मैं भी इसको कभी कभी गाली दे रहा था, तुम क्या कर रहे हो, ये कर, लेकिन ये सब कुछ सहन करते हुए भी इसने ये सारे काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं, देखो हम जितने हमारे महाराज का जो शिष्य लोग हैं ना गुरुदेव, आप लोग भी ऐसे करो, ऐसे नहीं जाकर बैठ गए, जब तक आप प्रचार नहीं करोगे ना, लोगों को नहीं जुड़ोगे, आपका भक्ति भी बढ़ेगी नहीं, भक्ति घटेगी, क्योंकि कलयुग में संघ शक्ति है, कलयुग में संघ में ही शक्ति, अकेले भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए इनके जैसे बच्चे आए ना, सब बच्चे
मुझे लगता है संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण भक्तिमय हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण भक्तिमय हो जाएगा। इसलिए मैं भी एक दिन सोच रहा हूँ, तुम जो यज्ञ यज्ञ बच्चे आए हो एक दिन यहाँ मीटिंग रखने के लिए, जैसे आप लोग घर में जाकर कैसे प्रचार करोगे, कैसे भक्तों को धीरे धीरे कैसे आप भक्तों को जुड़ोगे। इसलिए एक दिन मेरी इच्छा है सबको बुला करके मीटिंग करके धीरे धीरे जैसे महाप्रभु का वाणी कैसे सर्व जगह प्रचार हो, लोग भक्ति करें भजन करें मेरे। इसलिए आप ये बच्चे को सबके सब आशीर्वाद दो हृदय से, ऊपर से नहीं, केवल जय नहीं, इनके हृदय से आशीर्वाद दो। सचमुच से इनके अंदर में जो उत्साह है ना, सारी यंग बच्चों को यही जोड़ रहा है। भैया मैं भी इतना दिन प्रचार करते करते मैं इतने यंग बच्चों को जोड़ नहीं पाया, लोगों को तो जोड़ा था है अलग अलग, लेकिन जो यंग बच्चों को जोड़ा है ना, इसने जोड़ा है। इसलिए मैं चाहता गुरुदेव इसको ऊपर आशीर्वाद दे, प्रभुपाद इनको ऊपर बच्चे को आशीर्वाद दे, जैसे दिन प्रतिदिन ये खिलते जाए और सचमुच से स्वयं प्रचार करता है, भक्ति करे और सबको दुनिया में, सबको भी भक्ति में, सबको भी ये भक्ति में लगाए। ठीक है, सब हृदय से इसका आशीर्वाद दो। तो उनके उसमें बहुत बहुत उत्साह मिलता है अगर आप देखो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे उनके जैसे कुछ विदेशी शिष्य थे, अब कुछ गलती करते थे तब भी वो उनकी गलती को क्या करते थे, उनकी गलती को ना देख के उनकी जो सेवा की वृत्ति है, क्योंकि हम सब तो बच जीव है, हमारे अंदर दोष तो है, लेकिन जो सेवा की वृत्ति है उन्होंने क्या किया, हम सबकी सेवा की वृत्ति को वर्धित किया। उनके एक शिष्य थे, उनको उन्होंने क्या किया, पूरा इस्कॉन का कहीं का प्रेसिडेंट बना दिया। अब उसने क्या किया, बाद में शादी कर ली। अब जब शादी कर ली और छोड़ के भी चला गया, तब छोड़ के चला गया तो फिर पत्नी ने लात मार दी, फिर वापस आ गया गुरु के पास और आके बोला प्रभुपाद मेरे से गलती हो गई, मैं गलती से शादी कर लिया था और पत्नी ने लात मार दिया, धोखा दे दिया। अब सच कहते थे संसार दावा नल की डोका, अनुभूति हो गई, मैं वापस मंदिर में रहूंगा। साथ साथ उसको फिर से सिग्नेचर करके फिर प्रेसिडेंट बना दिया। वो देखा कितनी इनकी वो है महिमा, कि मैं तो मेरे को लगा कि कुछ छोटी मोटी पोस्ट देंगे सीधा प्रेसिडेंट बना दिया। फिर दो तीन चार महीने विदेशी लोग हैं, कब भरोसा तो है नहीं कब चले जाए। फिर शादी हो गई, फिर चला गया फिर वही संसार दावनल, तो वही पत्नी तो बार बार लात मारती है, फिर लात पड़ गई, फिर उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर उनसे क्षमा मांगी, फिर प्रेसिडेंट बना दिया। तीन बारी ऐसा हुआ, तीन बारी, लेकिन तीनों बारी उन्होंने उसको क्या किया, तीनों बारी आने के साथ साथ उसको किसी प्रकार से हे दृष्टि से नहीं देखा और उसको ये नहीं बोला कि तुम चले जाओ, उसको क्या किया, हमेशा सेवा में नियुक्त किया, हमेशा सेवा में। जब उसको किसी को प्रेसिडेंट बनाया, उसने पूछा चलो मेरे को बताओ मेरी सेवा क्या है। बहुत, अगर आप उनकी वाणी देखो, बहुत कम बोलते थे, कम के अंदर ग्रेविटी होती थी और बहुत सिंपल शब्द होते थे। मैं प्रेसिडेंट बन गया, मेरी सेवा क्या है, किसी प्रेसिडेंट ने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी सेवा क्या है, मेरे कमरे में हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जब वो कमरे में गया, उसको लगा कि हो सकता है मुझे क्या सेवा देंगे, बोले देखो तुम्हारी सेवा ये है कि अब से मंदिर में कुछ भी गलत काम होगा तो तुम्हारे कान पकड़ूंगा मैं। अब वो समझ गया कि इसका मतलब क्या है, कि सारी सेवा मेरी है। तो उनकी अगर वाणी देखो बहुत सिंपल है, और एक एक सिंपल वाणी के अंदर उन्होंने कितनी मतलब गंभीर बातें हैं। इसलिए हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने जो उनका एक ग्रंथ है जिसके लिए गुरुदेव ने एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस ट्रांसलेट किया था, उनका जो ग्रंथ है क्या नाम है, भक्ति रसामृत, नहीं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनका एक ग्रंथ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो गुरुदेव ने उसी को जब गुरुदेव ने अनुवाद किया, मतलब जब एक विदेशी बोलता था और गुरुदेव उसका भाव अनुवाद करते थे, तो एक ग्रंथ हो गया एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। तो गुरुदेव ने उनकी वाणी के अंदर बताया कि कैसे उन्होंने हर चीज रूपानुग धारा क्या है, और कैसे उन्होंने बहुत एक एक शब्द सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत गंभीर है। जो गुरुदेव के पास आए वो ही उसको समझ पाए, जिन जिन लोगों ने गुरुदेव का चरण आश्रय ग्रहण किया वो उनकी वाणी का वास्तविक अर्थ समझ पाए, कि उनका वास्तविक वाणी का अर्थ क्या है, कैसे वो एक बहुत बड़े रूपानुग आचार्य थे और कैसे वो उसी चीज को इस जगत में देने के लिए आए थे। तो हम लोग क्या है, हम लोग उन्हीं की ही क्या है, पोते हैं, पर पोते हैं। इसलिए हम लोग उनसे कुछ एक शिक्षा लें कि कैसे उन्होंने वृद्ध अवस्था में भी प्रीचिंग करी है। एक बार हमारी रागलेखा दीदी ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा था, गुरुदेव मैं तो वृंदावन में रहती हूँ, भजन भी करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करती हूँ, वैष्णव की सेवा भी करती हूँ, क्या मुझे प्रचार करना जरूरी है क्या, सब कुछ तो बाकी करती हूँ। तो गुरु जी ने देखो सिंपल बोला, गुरु जी बोले देख मेरे गुरु ने किया, मेरे गुरु के गुरु ने किया, उनके गुरु ने किया, और मैं भी कर रहा हूँ वृद्धावस्था में, तो तू क्यों नहीं करेगी, देखो नई पीढ़ी चलानी है क्या, समझ रहे हो। तो हमारे गुरु वर्गों ने क्या किया है, सबने प्रचार किया है, और इसके लिए तो एक ग्रंथ भी निकलता है इस कौन से, जिसमें स्वामी महाराज जी बोलते थे प्रचार ही सार है। मैंने देखा जो व्यक्ति प्रचार भजन छोड़ करके ना अकेले भजन के लिए कोशिश किया, उन्होंने भक्ति भी जितने डाउन आ गई है, वो बढ़ाई नहीं गई भजन, जो सोचते हैं ना प्रचार की जरूरत नहीं, बस माला लेकर बैठ जाएगा,
क्यों कली युग में बोले संघे शक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते अकेला हमारे ना ही पाए बल हरिनाम संकीर्तने, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते अकेले मेरे भजन में जैसे आज इतना तभी आनंद आ रहे हैं जो इतने लोग बैठे हैं, अकेले बैठे करो भजन करो बस धीरे 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 तुम्हारी भक्ति घटते जाएगी बढ़ेगी नहीं। इसलिए कली युग में जो प्रचार करोगे जब भक्त लोग आएंगे कीर्तन उत्सव जन्म उत्सव तब भी देखना उत्साह बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत कर रहे हो ना तो थोड़ी बहुत मैंने जब देखा भक्त लोग आए लेकिन कोशिश किया बात भजन भजन छोड़ कर किए करके बाद अकेले कर कुछ दिन बाद में सब छोड़ो तिलक गई माला गई सब खत्म हो। एक बार मुझे किसी ने बोला मैं कार्तिक में नवदीप जाऊंगा, मैंने कहा नहीं प्रभु कार्तिक में यहाँ हूँ यहाँ परिक्रमा हो रही है 84 कोस, नहीं मैं नवदीप जाऊंगा, दो दिन नवदीप में बैठा रहा, तीसरे दिन फोन आ गया प्रभु जी नवदीप तो मुझे काट रहे मैं वापस आ रहा हूँ, क्यों क्योंकि अभी कोई होता ही ना वहाँ पूरा तो खाली खाली होता है, इसलिए जो प्रचार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारे जो श्रीला स्वामी महाराज जी ने जब इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल बनाया, अब सब लोगों ने तो वृंदावन की बहुत महिमा सुनी थी, अब उनके विदेश में हर जगह टेम्पल है, अब सारे लोग क्या कर रहे हैं टेम्पल छोड़ छोड़ के वृंदावन में आके रहना चाहते हैं, कौन कोई हवाई में है कोई यूएस में कोई कहाँ कहाँ पे है कोई ब्राजील में है, सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तो वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि उस समय श्रीला स्वामी महाराज जी भी कहाँ पे रह रहे थे लास्ट डेज में वृंदावन ही रह रहे थे, उन्होंने अपने सब शिष्य को मना करा नहीं खबरदार कोई वृंदावन नहीं आएगा, मना कर दिया कोई वृंदावन आएगा ही नहीं, तुम वहीं पे रह के वो करो वहीं पे रह के तुम प्रचार करोगे, अगर तुम वहां पे रह के मेरे आदेश का पालन करोगे तो वही तुम्हारे लिए वृंदावन है। इसलिए उन्होंने अपने आज भी देखना कोई यहाँ पे 3 दिन से ज्यादा रहने नहीं देते, उन्होंने उस समय एक रूल पास किया कि 3 दिन से ज्यादा अगर कनिष्ठ व्यक्ति रहेगा वो अपराध करेगा, इसलिए 3 दिन से ज्यादा कोई रहना ही नहीं है, उन्होंने अपने सारे जगहों पे सबको भेज 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 के कितना प्रचार कराया। अगर हमारे बामन गोस्वामी महाराज को किसी ने पूछा आपको सबसे बढ़िया कौन सा जगह लगता है, बोले मेरे लिए बढ़िया सिलीगुड़ी लगता है, बोले भैया बढ़िया सिलीगुड़ी क्यों लगता है, बोले वहां पर लोग हरिकथा सुनने का लोग है, हरिकथा सुनने वाले सेवा करने वाले, इसलिए मेरे सिलीगुड़ी मेरे गुरुदेव पूरी में एक मठ नवद्वीप एक मठ और कलकत्ता एक मठ, पूरी में 1 महीना नवद्वीप में 1 महीना 10 महीना कलकत्ता में रहते थे, बोले क्यों, बोले वहां पर हरिकथा सुनने वाले प्रचार करने के लिए ग्रंथ प्रकाश करने के लिए वहां पर महापुरुष सेवा होता था, प्रभुपाद भक्तदेव माधव गोस्वामी महाराज भक्त वल्लभ तीर्थ जिनका जीवन देखो ना धाम में ज्यादा दिन कोई नहीं रहे, ये महाप्रभु सेवा के लिए सब धाम का बाहर रहे, जहाँ पर महाप्रभु सेवा हो रही है उनके लिए वही, इसलिए प्रभुपाद कहते थे जेखाने हरिकथा सेखाने तीर्थ, जहाँ हरिकथा वही पर तीर्थ है, और जहाँ हरिकथा नहीं सब काली वृंदावन में क्या गुंडे बदमाश नहीं रह रहे और चोरी डाकू सब जेब गदर भी रह रहे थोड़ी वृंदावन में रह रहे, इसलिए भैया वृंदावन में रहने पर भी वृंदावन वास नहीं होता है, इसलिए जहाँ महाप्रभु की सेवा हो भक्ति हो प्रचार हो वही प्रभुपाद का विचार ही है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे हम लोग मायापुर धाम की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे मायापुर धाम में रह के नहीं करेंगे, हम मायापुर धाम के बाहर जाएंगे और नगर नगर में गांव गांव में दूर शहरों में देशों में जाके मायापुर धाम का प्रचार करेंगे। तो जो लोग मायापुर धाम का प्रचार कर रहे हैं वास्तविक में वही मायापुर धाम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पे रहकर केवल खा रहे पी रहे भोग कर रहे हैं बोले वो मायापुर की सेवा ही नहीं कर रहे, वो मायापुर से बहुत दूर है, और जो बाहर रह के मायापुर धाम का प्रचार कर रहे हैं वो मायापुर धाम के बहुत नजदीक है। हमने क्या करना है मायापुर धाम के वैभव को प्रकाशित करेंगे, शब्द था ना मायापुर का जो धाम का जो वैभव है उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्गों ने क्या किया पूरे साल बाहर रहते थे और लेकिन बाहर रह के भी कहाँ पे है वो वृंदावन में ही है। इसलिए जो शिला एसी भक्ति विदान स्वामी महाराज जी हैं मैं उनसे एक चीज तो गौड़िया मठ में जरूर सीखनी चाहिए कि कैसे उन्होंने प्रचार को एक बहुत बड़ा गुरुत्व दिया है, बहुत बड़ा गुरुत्व दिया है, और आज देखने को मिलता है जो उनके गृहस्थ भक्त हैं उनके जो गृहस्थ भक्त हैं एक बात बोलते थे शिला एसी भक्ति विदान स्वामी महाराज जी जब भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिथि आई थी उन्होंने बोला कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से क्या सीखना है, उन्होंने बोला हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी से ये सीखना है कि प्रचार केवल सन्यासी ब्रह्मचारी करेंगे ऐसा नहीं है, प्रचार कौन करेंगे ग्रस्तों का भी दैत है कि वो प्रचार करेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किन्होंने सिखाया अपने आचरण से शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सिखाया, वो तो ग्रस्त आश्रम में थे ग्रस्त आश्रम में लेके प्रचार करते थे, तो शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे हम सब लोगों को उनसे ये सीखना है क्योंकि हम सब लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही आगे क्या है वंशज की संतान है। तो वो बोलते थे कि सबको ब्रीचिंग करनी है और आज देखने को मिलता है उनके जो ग्रस्त भक्त लोग हैं उनका एक एक ग्रस्त भक्त लोग इतना ज्यादा प्रचार करते हैं। अभी इस कॉल में उनकी यात्रा आई हुई है 7,000 लोग आए हुए हैं, 7,000 लोग में 140 बसे हैं, उनके 5-5, 6-6 ग्रुप हैं, एक एक ग्रुप में कम से कम 20 बसे हैं और एक एक ग्रस्त भक्त लोग उसको लीड कर रहे हैं। देखो एक ग्रस्त भक्त लोग 20 बसों को लीड कर रहे हैं, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तो कैसे उन्होंने एक एक प्रचार का कितना एक अपने सब शिष्यों को दिया कि हमें ये सेवा करनी है महाप्रभु की। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा वृद्ध है 80 साल के हैं
इस्कॉन में जब टेम्पल बन रहा था, 80 साल का व्यक्ति सुबह निकल के शाम को घर पे आता है, अपने साथ झोला लेके जगह जगह पे कलेक्शन करता है, क्या बोलता है कि मैं शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ। तो कैसे उन्होंने अपने सब शिष्यों को एक उनके अंदर एक ये स्पार्क दिया है कि कैसे हमने महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। और अगर हम लोग, हमें एक एक मठ में एक प्रभु जी थे, वो मुझे एक बात बोलते थे कि अगर आप लोग महाप्रभु का केवल अनाज खाओगे, हम तो महाप्रभु का अनाज खा रहे हैं, और उनकी सेवा नहीं करोगे तो तुम उनके अनाज को ध्वंस कर रहे हो। इसलिए उनका जो अनाज खा रहे हो, क्या करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। हमें उनकी क्या सेवा करनी है, गुरुदेव। गुरुदेव ने एक बारी नहीं, 100 बारी बोला होगा। देखो, शिला स्वामी महाराज जी को उनके गुरुदेव ने एक बारी बोला और उन्होंने उसको अपने चित्त पे स्थान दे दिया, उसको बद कर लिया कि हाँ ये मैंने उनका कार्य करना है। गुरु जी ने कम से कम 100 बारी बोला होगा, गो एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, 100 बारी कम से कम, दारो 100 बारी, 100 से भी ज्यादा बोला होगा। एक नेमी महाराज जी एक बात बोलते हैं कि जितनी बारी शिला ऐसी भक्ति उदाहरण स्वामी महाराज जी ने अपने शिष्यों को बोला है गो एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, गुरुदेव ने भी उससे कम नहीं बोला, उससे ज्यादा बोला होगा या उतना बोला होगा। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने आज जाके गुरुदेव की कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करी है? जब गुरुदेव जगन्नाथ पुरी में थे 2010 में, अस्वस्थ थे, प्रभु जी गुरुजी की सेवा करते थे, उस समय भुवनेश्वर में बुक्स का मेला लगा हुआ था जिसमें बंसी प्रभु और कुछ उड़ीसा के भक्त लोग बुक स्टॉल लगाने जाते थे। उस समय गुरुदेव अस्वस्थ होने के कारण किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रोज अपडेट लेते थे कि कौन सी बुक बिकी, रास पंचाध्याय बिकी, अच्छा यहाँ के लोग रास पंचाध्याय भी पढ़ रहे हैं उड़ीसा के, बहुत अच्छा है। रोज अपडेट लेते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं बस हम आगे 16 माला कर ली, कभी परिक्रमा में चले जाते हैं, नहीं, हमें भी एक दायित्व लेना पड़ेगा, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कैसे हम महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं। करना चाहते हैं हाथ उठाओ लोग, इतने कथा सुन करके इतने कथा सुनकर कौन चाहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, कौन चाहते हो, चाहते हो? अभी भी कोई हाथ नहीं उठा रहा, अभी इतना कथा सुनकर कर, दोनों हाथ उठा दो, दोनों हाथ उठा दो। नहीं, संजय प्रभु सबसे आगे चले, नहीं, इसलिए इसलिए ना देखो, हम इसलिए ना हम सोच रहा था एक दिन हम यहाँ पर ऐसे ही मीटिंग केवल इसी बात पर विवेचना करेंगे, गुरुदेव का ग्रंथ को प्रचार, और जो जहाँ पर है आसपास लोगों को हरी कथा सुनाओ, प्रचार करो। जैसे बताए थे ना इस्कोर में, आप जिधर इधर आप गोवर्धन में कहीं चली जाओ, मैं जहाँ जाता हूँ उनका ही दल है। अभी मैं गया था कथा करने के लिए, वहाँ पर मंदिर में आ रहा था एक ब्रह्मचारी, 10 व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी वही बनी नहीं पीला कपड़ा में, 20 लोग, एक 30 लोग, सब दल 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 अलग अलग हो, जिधर दिख रहा था इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको दिख रहा था, क्योंकि उनके अंदर में जो प्रचार करने का जो भाव ना, इनके अंदर ठोस ठोस करके भर दिया है, ठोस ठोस करके भर दिया। अरे ये प्रचार, आप प्रचार जो कर रहे हो और तो कोई बता, भजन तो करो, जब तक आप किसी को तभी तक नहीं बोल सकते जब तक आप नहीं करोगे। जब किसी व्यक्ति को बोले हरिनाम करना ना, अब फिर आप खुद भी करना शुरू कर दो, क्यों बोले तिलक कर, बोले खुद लगाओगे तभी तो बोलोगे। इसलिए आप किसको जब भजन की बात करोगे ना, आप देखना स्वयं भजन करना शुरू कर दोगे। अगर किसको बोलोगे नहीं ना, तुम्हारी माला भी धीरे 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 डाउन होते जाएगी, डाउन होते जाएगी, क्यों, तुम प्रचार नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति डाउन होते रहे। इसलिए जिसको जो जितना सीखा है उतना ही प्रचार करो, जहाँ जहाँ पर उतना ही प्रचार करो। इसलिए हमारे जो सुंदर ऊपर जो क्लास है वो इस्कॉन से भी लाए, ला करके जो प्रचार हुआ, देखो यहाँ पर ये हलन से बैठी हुई, ये भैया बैठी हुई, मैंने ये क्लास मैंने यूरोप में जा करके विजय उसको दिया, वो बड़ी उदास था, जो सोच नहीं सकते, क्यों कभी कभी उल्टा सीधा कोई बात कर देते तो बड़ी उदास था। पहले वो गौर गोविंद महाराज पास में गया, हमारे महाराज के पास में भी आया, इतने उदास सोच नहीं सकते। मैंने उनको उत्साह देता था, प्रचार करो प्रचार करो। एक बार मैंने उनको जो वो क्लास था ना सर्च पर आपने डच कर हुआ, मैंने एक क्लास दिया, क्लास देकर मैंने बहुत देखो इस, तुम इसको प्रचार करो, आप सोच नहीं सकते। एक बार उन्होंने कोशिश किया अपना घर में जैसे टीवी लगा करके और लोगों को इसमें इंटरनेट में उन्होंने भेजा, ये 5-6 क्लास देना चाहता हूँ जिसका इंटरेस्ट आओ, और कुछ पापलेट लेकर के कहीं किसका बर्थडे हो रहा था उसने बटवाया। पहला बार तो उन्होंने 30 लोग आए, वो तो बड़ी अच्छी लगी, 30 लोगों में कुछ सचमुच से कुछ लोग छट करके कुछ भक्त बने। दूसरा बार जब दिया 80 लोग आए, जो सुना है ना उसको इतने अच्छे 80 लोग आए। उसके बाद में ये दोनों को पूछ लो कितना कितना लोग आते उसको घर में, एक एक उसमें क्या करता है वो, देखो अच्छे तरह सुनो कैसे क्या कैसे प्रचिंग करता है वो। उसमें जो सर्च पर आप जिसको लोगों को बैठा करके थोड़ी सी पैसा लेता है उनको, ये लेने के लिए नहीं, उनके लिए प्रसाद के लिए थोड़ी सी पैसा, और कथा के बाद में प्रसाद, उनको बढ़िया प्रसाद देता है, अच्छा प्रसाद देता है उनके पैसा से उनको, और वो उसको प्रोजेक्ट में दिखाता है। जब 6 दिन तक वो क्लास देता है, अलग अलग क्लास, दिन में 2-2 2.5-2.5 घंटा क्लास,
बीच में एक घंटा क्लास थोड़ी सी विश्राम देकर देता है, उसमें करी करी कुछ कुछ भक्त उससे निकलता है। अगर 80 लोग आएंगे, अगर दो चार लोग भी अगर बजने में लग जाए ना, वो बहुत है। ऐसे करते करते पृथ्वी में हमारे जहाँ प्रचार है, उससे अगर कहीं बढ़िया प्रचार ये यूरोप में, ये दोनों बैठे हुए उसी प्रचार से ये दोनों आए। अब ये जो यह रासप्रिया बैठी हुई, इसका भाई वो विजय है, ये लोग मिल करके, और सबसे बढ़िया ग्रुप अभी वहीं पर है, वहीं पर बढ़िया ग्रुप है। इतने लोग वहाँ जाकर के हम इतने इतने खुश हो जाते हैं ना, इतने तिलक गला में कट्ठी, छोटे छोटे बच्चे तिलक माला करके आते हैं। केवल उसने इतने बढ़िया उसने प्रचार किया, परिवार के परिवार जोड़ दिए। कैसे प्रचार हो रही, बढ़िया है ना, कितने भक्त बने वहाँ, 300-400 भक्त बने। अभी मैं राधाष्टमी में गया था, देखो मैं तो दंग रह गया राधाष्टमी में। प्रभु वहाँ पर राधाष्टमी में कितना लोग आए थे, राधाष्टमी में 700-800 लोग आए थे। विराट उन्होंने मैरिज हॉल को लिया। अब यहाँ पर हमारे भारत में भी इतने बढ़िया राधाष्टमी हम नहीं देखता हूँ। विराट उन्होंने मैरिज हॉल को लिया, उन्होंने 1,50,000 रुपया में हाँ ले करके उन्होंने इतने बढ़िया प्रोग्राम किया। मैं तो भैया भारत में भी इतना नहीं होता, इतने बढ़िया उन्होंने राधा जन्माष्टमी उन्होंने किया था, वहीं पर जन्माष्टमी भी प्रोग्राम बनाया। मतलब ये क्लास को देते देते इतने लोग बड़े वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर जितने लोग ना, देखो हम बोलते हैं लेकिन अगर अपना कुछ प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ, उसका कुछ फल आनी चाहिए ना, है। इसलिए आप लोग प्रचार करो, जितना सीखे उतना ही बोलो। जब तक नहीं बोलोगे ना, तब तक आदत नहीं बोलने बोलने का। बोल सारा दुनिया की तो बात बोलते हैं और भगवान की कथा सुनाओ ना। इसलिए महाप्रभु तो यही बोले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको बोलो भजन के बारे में, उसको बोलो भजन के बारे में। इसलिए हम चाहते हैं एक दिन यहाँ पर एक मीटिंग करने के लिए, जो जहाँ पर है आप वहीं पर रह करके। कई लोग बोलते हैं कि अभी हमारा प्रचार का योग्यता नहीं हुआ। तो एक बार एक मठ में ना कोई बाहर से लोग आए थे, तो मैंने एक ठाकुर जी के वस्त्र बदलते एक पुजारी है हमारे, तो मैंने उनको बोला प्रभु जी आप ना एक काम करो, कोई बाहर से भक्त लोग आए तो आप उनको थोड़ी कथा सुना दो। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं प्रभु जी कथा आप सुनाओ, मेरा तो अभी प्रचार का अधिकार ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा आपका प्रचार का अधिकार नहीं हुआ और अंदर जाके अब ठाकुर जी के वस्त्र बदलते उतना अधिकार हो गया क्या? तो ये बेकार की बात है कि कई लोग बोलते हैं ना कि अभी हम योग्य नहीं है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने अपने सब शिष्यों को बोला कि तुम क्या करो जाके कि कृष्ण कथा करो। कृष्ण कथा करना ही तो एक साधन है। शिला भक्ति मनोहर ठाकुर जी बोलते हैं ये साधन है कि हम जाके कृष्ण की कथा कर रहे हैं, तो ये साधन है। और जो शिला स्वामी महाराज जी ने पूरा इस्कॉन बनाया है ना, पूरा इस्कॉन 2 श्लोक के बेस पे बनाया है। गीता के 2 श्लोक है, गीता का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम ना च भविता ना च भूवि, कि इतना प्रिय ना कोई मुझे था ना है ना होगा जो मेरी इस वाणी का प्रचार करता है। और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अपनी परम भक्ति दान करता हूँ। इस श्लोक को वो कई बार ही बोलते थे कि ये भगवान का बहुत प्रिय कार्य है कि उनकी वाणी का क्या करना है, प्रचार करना है। किसी ने नेमी महाराज जी ने शिल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज से प्रश्न पूछा था कि जब हम विदेश में होते हैं तब तो हम विदेश में वहाँ पर साधु संघ भी नहीं है, हम विदेश चले गए प्रचार करने, वहाँ पर साधु संघ नहीं है, धाम नहीं है, भक्त नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करें? तो महाराज जी ने उनको बड़ा अच्छा उत्तर दिया। महाराज जी ने बोला तुम विदेश किस लिए जाते हो? तुम विदेश जाते हो गुरुदेव से जो सुना है उसी का कीर्तन करने के लिए। तो जब तुम गुरुदेव के मैसेज को सुना रहे हो उस समय तुम गुरुदेव का संग कर रहे हो, तुम्हें उनका चित्त बल प्राप्त हो रहा है, उनकी तुम्हें कृपा प्राप्त हो रही है, उस समय तुम्हारा उनसे संग हो रहा है। इसलिए जब हम उनकी वाणी का प्रचार कर रहे हैं, उनकी वाणी का कथा कर रहे हैं, तो उस समय आप देखना आपको आपके हृदय में एक चित्त बल की अनुभूति होगी कि और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ मैंने उनका सेवा किया, मैंने कुछ सेवा किया। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जब जैव धर्म जब प्रकाशित हुई, अगर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बाहर है और रात को आके एक जैव धर्म बेच के आता था, और जब परम गुरुदेव को पता चलता था कि मेरी इस ब्रह्मचारी ने एक जैव धर्म बेची, केवल एक जैव धर्म, वो उसके प्रति कितना खुश होते थे कि अच्छा तुम मेरा एक जैव धर्म बेच के आए, केवल एक जैव धर्म के प्रति। तो इसलिए ये जो सेवा है इसको हम सब लोगों को करना चाहिए, और ये आज हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने वृद्ध अवस्था में भी अपने गुरुदेव की कैसी सेवा करी है। हरे कृष्णा। देखिए 20 एक बात मेरे मन में आ रही है, शिला स्वामी महाराज जी की जो शक्ति है, उनके प्रचार की जो शक्ति है, उसका एक छोटा सा ये एक उदाहरण जैसा है। ये ब्रजमंडल परिक्रमा हमारी चल रही है, आज कितने दिन हो गए, 20-22 दिन तो हो गए हमारी परिक्रमा को, हरी कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु आज उनकी तिरुभाव तिथि पर ये सोच विचार करके कोई नहीं बैठा कि कुछ ऐसा बोलेंगे कुछ ऐसा होगा, किंतु जब उनकी तिरुभाव तिथि पर ये उनकी कुछ विशेष प्रचार की शक्ति, उनकी शिक्षा की शक्ति है,
आज इस घर में महाराज जी के इस कमरे में बैठकर कैसी एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। आज उनके प्रचार की बात, उनके उनके अवदान की बात कितने अद्भुत रूप में हो रहा है। 20-22 दिनों के ब्रजमंडल परिक्रमा को करते करते सुबह परिक्रमा जा रहे हैं, शाम को परिक्रमा से आ रहे हैं, हरी कथा हो गई, प्रसाद पा लिया, सो गए। आज ऐसा एक उनका प्रसंग उठने मात्र से ऐसी एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। लग रहा है ना कुछ, आज कुछ हो रहा है, उत्साह हो रहा है। आ जाओ, मीटिंग करो, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो लाल कपड़े के लिए रेडी, ये सन्यास के लिए रेडी, इतना उत्साह है। ये श्रीला स्वामी महाराज जी की शक्ति है। और देखिए, उनके जीवन की एक छोटी सी बात मैं बताऊं, कितना उनका फर्म डिटर्मिनेशन था, कहां तक वो सोच कर बैठे थे। हमारी श्यामरानी दीदी ने एक बार एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को बनाकर वो श्रीला स्वामी महाराज जी के बिस्तर के ऊपर लगाना चाहती थी, ठीक उनके मस्तक के ऊपर। श्रीला स्वामी महाराज जी के बिस्तर पर वो जब पैर रखने के लिए, उनके जहाँ वो सोते थे वो पैर रखने के लिए जब वो चली, तो उन्होंने श्रीला स्वामी महाराज जी से पूछा कि ये तो गुरु का बिस्तर है, मैं इस पर पैर रख करके पेंटिंग कैसे लगाऊं। श्रीला स्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, सुना आप में से किसी ने क्या उत्तर दिया? फॉर द सर्विस, बोलो बोलो पूरा। ये बात उन्होंने, कितना उनका फर्म डिटर्मिनेशन था, कहां तक वो सोच कर बैठे थे। वो कहते फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, व्हाट टू स्पीक अबाउट माय बेड, यू कैन स्टेप ऑन माय हेड। मेरे बेड की तो बात छोड़ो, तुम मेरे मस्तक पर पैर रख सकती हो कृष्ण की सर्विस के लिए। कहां तक उन्होंने उत्साह दिया, कहां तक उन्होंने एनर्जी भरी हुई थी। और ये उनकी एनर्जी का प्रभाव है। देखिये, गौड़िया मठ का प्रचार, गौड़िया मठ की चीजें बहुत, ये इसको यदि समझेंगे, इसमें भी एक बड़ा गंभीर संबंध है। श्रीला स्वामी महाराज जी विदेश गए, उन्होंने लोगों को कहा कृष्ण इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उनके प्रचार के पश्चात हमारे गुरुजी विदेश गए, गुरुजी ने जाकर क्या कहा, अब तक आपने ये सीखा है कि कृष्ण इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मैं अब ये बताने आया हूँ कि भूल जाओ कृष्ण इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब ये भूल जाओ कि कृष्ण इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब तुमको क्या स्मरण रखना है कि कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान मानता है? अरे भगवान मानता है ब्रज में कोई कृष्ण को? कृष्ण भगवान होंगे द्वारका में, कृष्ण भगवान होंगे मथुरा में, कृष्ण भगवान होंगे बैकुंठ में। यहाँ तो कृष्ण ने थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाया, मैया ने पकड़ा, बिठा दिया, और क्या कर रही है, झाड़ा लगा रही है, गाय की पूंछ को मार रही है कृष्ण के ऊपर, गाय गौमूत्र छिड़क रही है, गोबर छिड़क रही है। अरे इसको कोई आई पलाई लग गई है। तो गुरुजी ने जाकर के सिखलाया, किंतु गुरुजी ने कब सिखलाया, इस बात को जब समझने जाएंगे। इसमें ऐसा गंभीर एक संबंध है श्री स्वामी महाराज जी और गुरु जी का। देखिए, महाप्रभु जी जगत में ऐसे ही नहीं आ गए। महाप्रभु ने जगत में आने से पहले शंकराचार्य जी को भेजा। अब बड़ी अच्छी अच्छी हृदय स्पर्शी बातें चल रही थी, कुछ हास परिहास हो रहा है, मेरी कर्कशवाणी में फिर से कुछ सिद्धांतों की बात आ जाएगी। आप कहेंगे कहाँ फिर ऐसी बातें शुरू हो गई है, किंतु समझने की बात है। यदि समझो, श्रीमन महाप्रभु ने पहले शंकराचार्य जी को भेजा, जो लोग वेद को ही नहीं मानते थे, बौद्धिज्म का प्रचार था। शंकराचार्य जी ने आकर सारे जगत में क्या किया, वेदों का प्रचार किया। अंततः वेद है, वेद पर विश्वास करो, शास्त्र है, शास्त्र पर विश्वास करो, भगवान की बात पर विश्वास करो। फिर एक स्तर का प्रचार किया, उसके पश्चात महाप्रभु जी ने किसको भेजा, किसको भेजा, चार सातवत आचार्य आए, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, निम्बादत्त्य जी। उन्होंने फिर शंकराचार्य जी ने वेद स्थापित करके जिस निर्विशेषवाद का प्रचार किया था, उन्होंने आकर के फिर क्या प्रचार किया, क्या प्रचार किया, भगवान सविशेष है, भगवान का रूप है, आकार है। उसके बाद महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी ने आकर क्या किया, भक्ति किसको कहते हैं, साचा परानुरक्ति ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर कौन है, ब्रह्मा को भी ईश्वर कहते हैं, शिव को भी ईश्वर कहते हैं, इंद्र को भी ईश्वर कहा भागवत में, किंतु कौन ईश्वर, रूप गोस्वामी जी ने बतलाया, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य वर्तमान।